All right, good evening everyone. I hope I'm properly audible and visible to all of you. Awaaz aa rahi hai, dikh raha hai. Chaliye. Good evening, Shyam, Ritik, Chetna, beta effort abhi karne to do. And we are thankful to you that you are appreciating our efforts. Theek hai. Aur अर्जिता गुड इवनिंग, तनवीर गुड इवनिंग. तो चलिए भाई, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन उत्तर प्रदेश का क्रैश कोर्स, यूपी पीसीएस जे क्रैश कोर्स. और जैसा मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था, दिस क्रैश कोर्स इज फोकस्ड फॉर यूपी पीसीएस जे. बट अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन सब्जेक्ट जो है, एडिशनल सब्जेक्ट अलग हो रहे हैं, जीके अलग होगा और कॉमन सब्जेक्ट चल रहे हैं. कॉमन सब्जेक्ट में से अपन ने आईपीसी आज उठाया है, कल ज्यूरिसप्रूडेंस स्टार्ट हो रहा है 1 बजे, और 3 बजे जीएस में इकोनॉमी. सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है. ये अगर आपने इंश्योर कर लिया कि आने वाले 40 दिन, 45 दिन अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे कर लेंगे, तो मार्क माई वर्ड्स, प्री रुकना नहीं है अपना, ठीक है. और इट इज, जैसा मैंने कहा, इट इज नॉट जस्ट फॉर यूपी. जो कॉमन सब्जेक्ट है वो हर स्टेट के लिए कॉमन है, और अपन उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे. और इसके पहले अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने किया था, दैट वाज एमपीईडीपी और रिवीजन क्रैश क्रैश कोर्स था. उसमें टाइम कम दिया था मेजर सब्जेक्ट्स को, बिकॉज वहां नंबर ऑफ लॉस ज्यादा थे. अभी अपन सफिशियंट टाइम लेके पढ़ेंगे. वैसे नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं भी. जैसे आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन और पहला चैप्टर अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो तो हो ही जाएगा. उसके बाद जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है उसको करेंगे. बट ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी करेंगे, आराम से करेंगे, समझेंगे. यहां जैसे डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली आपने हमेशा पढ़ा होगा, आप याद कर लेते हैं कि वो फ्रॉडुलेंटली में इंटेंट टू डिफ्रॉड होता है. उसको समझेंगे भी क्या चीज है, क्यों लिखा है, थोड़ा उसको समझेंगे भी. जो भी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम बेरेक्ट भी, केस वाइज जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रिलिम्स में, इन सारे स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए उन सारे क्वेश्चंस को अपन ध्यान से देखेंगे. तो थोड़ा सा अलग अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, बहुत जल्दी में नहीं है, आराम से पढ़ेंगे. और जैसा मैंने आज एक रील के थ्रू भी आप लोगों को बताया था कि देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम जो हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे फेब इंडिया मार्च के बिगिनिंग, नाउ दिस मे बी कंडक्टेड ऑन 12th of Feb. देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस की 12 तारीख को एग्जाम होगा आपका प्रिलिम्स. तो उसके हिसाब से अपन ने प्लान किया है, उस हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया है. आपको इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम कब हो रहा है, वो लोड हमारा है. एंड वील मेक श्योर कि उसके पहले पहले आपका ये करवा दें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सब्जेक्ट इंडियन पिनल कोड. और भैया यहाँ ठीक ठाक वेटेज है. मैंने बूट कैंप में भी आपको बताया था, प्रीवियस ईयर लॉज का वेटेज आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का बराबर वेटेज है. इसीलिए ढंग से पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि इसके बाद जरूरत ना पड़े कुछ और करने की. क्वेश्चन भी सॉल्विंग होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था. ये सब्जेक्ट जैसे ही हम खत्म करेंगे आने वाले 5-6-7 दिन के अंदर, उसके बाद आपको ऐप पे टेस्ट भी मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज. तो आईपीसी के आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ये पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दे लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी तैयारी पे. तो भाई देखिए, इंडियन पेनल कोड अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं. बेसिक बातें पहले इस कोड के बारे में समझ लीजिए. इट्स अ जनरल क्रिमिनल लॉ. ये क्रिमिनल लॉ है और एक जनरल लॉ है. मैं जनरल लॉ इसको क्यों कह रहा हूं इंडियन पेनल कोड को, तो ये बात समझिए. हम लोगों ने अभी इसके पहले कई सारे एक्ट पढ़े, जैसे हमने पॉक्सो पढ़ा, हमने डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ा, हमने जुवेनाइल जस्टिस पढ़ा. इस तरीके के अलग अलग एक्ट्स भी हम लोगों ने पढ़े. अब इस बात को थोड़ा समझना कि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में डील करते हैं, है ना. जैसे डाउरी प्रोहिबिशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में डील करता है, डोमेस्टिक वायलेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में डील करता है, पॉक्सो एक्ट एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में डील करता है. बट आईपीसी इज अ जनरल लॉ, इट्स अ सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बताता है. That's why it's a substantive law. It's not a procedural law. IPC is a substantive law. साथ में ये general इसलिए है क्योंकि हर तरीके की चीजें cover करेगा. इसमें food adulteration से related जो चीजें रहेंगी, जो offences रहेंगे, वो भी cover होंगे. इसमें dowry से related offences भी cover हो जाएंगे. इसमें sexual harassment के भी provision है. सब कुछ है इसमें. That's why it is a general law. और इन चीजों से related specific laws भी हैं, specific enactments भी हैं. और हमने ये देखा है कि whenever there is a conflict between any provision of a general law and a specific law, तो वो जो specific law होता है, special law जिसको कहते हैं, तो वो जो special law है वो हमेशा prevail करता है, because it is a general law. ये comprehensively हर चीज को
डील करता है, लेकिन वो स्पेशल लॉ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में ही डील करेगा। तो देखिए, इंडियन पेनल कोड जो है ये फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू बना है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको प्री के साथ साथ क्वेश्चन सारे बताते चलूंगा कि ये बातें आप प्लीज ये इंश्योर कर लीजिए पहले आपके पास बेरेट है आईपीसी का, एक हाइलाइटनर या पेंसिल कुछ भी अंडरलाइन करने के लिए बेरेट में चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव अ नोटबुक एंड अ पेन, क्योंकि मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको नोट डाउन कराते जाऊंगा साथ साथ, तो प्लीज इंश्योर करिए कि वो उसके लिए भी आपके पास कुछ हो, तो वो भी आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। तो देखिए, इंडियन पेनल कोड जो है ये एक्ट ड्राफ्ट हुआ था बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन, इंडिया की जो पहली लॉ कमीशन थी उसके थ्रू ये ड्राफ्ट हुआ था, फर्स्ट लॉ कमीशन। इस लॉ कमीशन के चेयरमैन, जैसा आप सब जानते हैं, हु ड्राफ्टेड दिस इंडियन पेनल कोड और हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन पेनल कोड, तो लॉर्ड मैकॉले, दैट इज इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मैकॉले वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो मैकॉले वॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इनके अलावा तीन लोग और थे इसमें, एक थे एंडरसन, एक थे मैकलियॉड और मिलेट, तो इनके भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, एंडरसन, मिलेट और तीसरे हैं मैकलियॉड। इन तीनों का भी नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी में आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से ट्रेंड अगर प्रीलिम्स का, तो अब हर तरीके के क्वेश्चन हर स्टेट में पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ना, झारखंड भी आने के पूरे चांसेस हैं एग्जाम होने के अब रिसेंट मंथ्स में, तो काफी इनडेप्थ थोड़े डिटेल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। अपन कोशिश करेंगे एक ब्लेंड लेके चलें, बहुत तेज भी नहीं चलेंगे और बहुत ज्यादा धीरे भी या बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि दीज क्लासेस आर प्री ओरिएंटेड। पहले हमें इंश्योर करना है कि प्री की आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि कमिंग एग्जाम्स लाइंड अप है हमारे पास। तो मैकॉले वॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके अलावा तीन लोग हैं इसमें, ठीक। सो दैट इज अबाउट हाउ इंडियन पिनल कोड केम इन टू एग्जिस्टेंस, किस तरीके से ये बना। डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है इंडियन पिनल कोड की, तो वो ध्यान रखिए, 1 जनवरी 1862। फर्स्ट जनवरी 1862 इज द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईपीसी, ये ध्यान रखिएगा। अब बिफोर वी कम टू दी बेरेक्ट, उस पे आने के पहले थोड़ी सी बेसिक बातें और समझिए इस एक्ट के बारे में, क्योंकि वहां से भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पहले कि मैं बेरेक्ट पे मूव करूं, एक एक करके अपन चीजें समझना चालू करें, एक बात ये समझिए कि इट्स अ क्रिमिनल लॉ, आईपीसी इज अ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। और आपने इससे रिलेटेड दो टर्म देखे होंगे, ऑफेंस और क्राइम, दोनों आपने सुने होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस, बहुत ब्रीफ में जाऊंगा, इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। क्राइम एक ब्रॉड टर्म है जो जनरली यूज किया जाता है किसी भी तरीके के पब्लिक रॉन्ग को बताने के लिए, पब्लिक रॉन्ग जो है वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑफेंस वर्ड आईपीसी ने यूज किया जब इसको कोडिफाई किया गया, जब क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई किया गया उसमें वर्ड यूज किया गया ऑफेंस। सेक्शन 40 आईपीसी डिफाइन करता है, और सेक्शन 40 के हिसाब से ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है, एनी एक्ट विच इज मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। आईपीसी जिस भी एक्ट को पनिशेबल करता है वो एक ऑफेंस हो गया, तो जहां पनिशमेंट प्रिस्क्राइब हो गया वो ऑफेंस है। और क्राइम तो एक ब्रॉड कैटेगरी है, क्राइम ऑल्सो इंक्लूड्स ऑफेंस इन इटसेल्फ, ठीक। तो अब क्राइम की जो डेफिनेशन है वो देना बहुत संभव नहीं था ज्यूरिस्ट के लिए, कई सारे लोगों की उससे रिलेटेड डेफिनेशन है बट जनरली प्रिलिम्स में पूछा नहीं जाता। लेकिन एक बेसिक इंट्रो से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके मेंस रिया से जरूर बनते हैं, तो उसके लिए ब्रीफ में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सो टू स्टार्ट विथ एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्या क्या एलिमेंट एक क्राइम में होते हैं, तो ब्रॉडली देखा जाए तो देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। कितने एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट्स हैं क्राइम के। सबसे पहले एक क्राइम के लिए जरूरी क्या है, तो सबसे पहले देयर शुड बी अ ह्यूमन बीइंग,
देयर शुड बी अ ह्यूमन बीइंग और पर्सन शुड बी देयर। अब ये पर्सन वर्ड किधर डिफाइंड है, तो सेक्शन 11 आईपीसी का डिफाइन करता है पर्सन को। सो सबसे पहले रिक्वायर्ड है क्राइम के लिए एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक पर्सन। सेकंड जो इसका एसेंशियल है दैट इज मेंस रिया, और मेंस रिया का मतलब क्या होता है बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू? मेंस रिया का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंस रिया? दैट्स गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड चाहिए ऑफेंस करने के लिए या क्राइम करने के लिए, माइंड भी गिल्टी होना चाहिए। आपका एक्ट गिल्टी है दैट इज फाइन, बट साथ में माइंड भी चाहिए। सो तीसरा जो है एसेंशियल वो है आपका एक्टस रियस, और एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट से मतलब है इधर ह्यूमन कंडक्ट का एक कंसिक्वेंस या रिजल्ट। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को गोली मार दी, दैट इज अ कंडक्ट ऑफ माइंड कि मैंने किसी को गोली मार दी। अब अगर उस गोली मारने की वजह से मैंने कंसिक्वेंस प्रोड्यूस किया है विच इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी, मैंने किसी की डेथ कॉज कर दी है, तो ये सिर्फ एक्टस रियस है। डेथ कॉज कर दी मैंने, दैट इज एक्टस रियस। अब डेथ कॉज मैंने किस गिल्टी माइंड के साथ करी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट मस्ट बी देयर। ये होना चाहिए। एक्टस रियस अपने आप में ऑफेंस क्रिएट नहीं करेगा, उसके साथ साथ मेंस रिया, मेरा माइंड भी गिल्टी होना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तभी मैं लाइबल हूं, अदरवाइज लाइबल नहीं हूं। सिविल में ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मेंस रिया हो, बट यहां मेंस रिया रिक्वायर्ड है। इसके बाद अगर आप फोर्थ एसेंशियल की तरफ आएंगे तो इट इज इंजरी टू पर्सन। चौथा क्या है? इंजरी होनी चाहिए। चौथा जो एसेंशियल है वो चाहिए आपको इंजरी। ये चार एसेंशियल क्राइम के होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और जिसको समझना है हमें, वो है ये मेंस रिया या गिल्टी माइंड। इसके बारे में हमें थोड़ा समझना है। अब देखिए मेंस रिया होता क्या है या गिल्टी माइंड, जैसा मैंने कहा एक स्टेट ऑफ माइंड भी चाहिए। किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपने वो एक्ट कमिट किया है? जैसे मान लीजिए आप अपना हाथ अपना फोन हाथ में लेके चल रहे हैं, मैं आपके पीछे से आया और मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से मेरा हाथ आपके हाथ में टकराया और आपका फोन नीचे गिरा और टूट गया। अब बताइए कि आईपीसी के अंदर क्या ये एक्ट पनिशेबल होगा? क्या इसके लिए मुझे पनिश किया जाएगा? गलती से हो गया, वो हाथ लगा और फोन नीचे गिरा और फोन टूट गया। इधर पे सिविल लाइबिलिटी बन सकती है। अगर आप सिविल सूट करेंगे तो मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ सकता है आपको फॉर दी डैमेज और लॉस दैट आई हैव कॉज्ड। लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी एज सच नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो नेग्लिजेंस है मेरा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने वो काम इंटेंशनली नहीं किया, दैट वाज नेग्लिजेंस। स्टेट ऑफ माइंड मेरा है नेग्लिजेंस। और आईपीसी में आप देखेंगे नेग्लिजेंटली कोई भी चीज करने के लिए, नेग्लिजेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम करने के लिए आप तभी लायबल होते हैं जब आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर देते हैं। सेपरेट ऑफेंस है डेथ बाय नेग्लिजेंस। उसके अलावा ये जो स्टेट ऑफ माइंड है आपकी नेग्लिजेंस, ये किसी दूसरे ऑफेंस का कॉन्स्टिट्यूइंग एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अब ये भी जानना जरूरी है कि मेंस रिया में कौन कौन से स्टेट ऑफ माइंड है जो आईपीसी कवर कर रहा है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया था वो एक अलग चीज है, और उसके बाद जो जरूरी है आईपीसी के लिए वो एक अलग चीज है। क्यों समझना इस बात को? आईपीसी इज अ कोडिफाइड लॉ। हर ऑफेंस को यहां लिख दिया गया है, हर ऑफेंस की स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है बिकॉज इट्स अ कोडिफाइड लॉ। तो जो स्पेसिफिक डेफिनेशन किसी भी ऑफेंस की दी गई है, उसमें स्टेट ऑफ माइंड को बताने के लिए, स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए या दर्शाने के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करे गए हैं। जैसे इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, वॉलंटरिली, नेग्लिजेंटली, इस तरीके के मैलिग्नेंटली, इस तरीके के टर्म बता दिए हैं कि किस ऑफेंस के लिए कौन सी स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। ये आपको बता दिया आईपीसी ने। इसीलिए आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यार किस ऑफेंस में कौन सा स्टेट ऑफ माइंड या क्या गिल्टी माइंड रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो भी स्टेट ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर फिजिकल एस्पेक्ट है उस ऑफेंस का, कि किस फिजिकल एक्ट को वो ऑफेंस प्रोहिबिट कर रहा है और वो एक्ट आपने किस मनोस्थिति में किया, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपने वो ऑफेंस किया है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और वो एक्सप्रेसली वहां
दिया हुआ है पर्टिकुलर ऑफेंसेस में। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इन जनरल जो मेंस रिया की डॉक्ट्रीन है वो बहुत हद तक एप्लीकेबल आईपीसी जैसे लॉ पे नहीं होगी, बिकॉज इट इज कोडिफाइड, और कोडिफाइड जब लॉ होता है, लिखित जो होता है, उसमें अपने आप में क्लैरिटी होती है। बट इसी से रिलेटेड केस लॉज हैं जिनसे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं अभी मेंस रिया की स्टेट ऑफ माइंड्स पे भी आऊंगा, जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है आईपीसी पढ़ने के लिए, आगे के ऑफेंसेस की जब अपन बात करेंगे उनको समझने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड्स के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, इंटेंशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, कब चीज नेग्लिजेंटली कही जाएगी और कब वो नॉलेज के साथ कहा जाएगा, इनमें थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट टुडे, उस पर अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मेंस रिया की डॉक्ट्रिन की एप्लीकेबिलिटी थोड़ा सा समझ लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको समझ लीजिए, क्योंकि उनसे सीधे सीधे आपको प्रीलिम्स में सवाल आते हैं। अब ये जो केसेस हैं इनके नाम आपने सुने होंगे, आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन, ये सब आपने सुने, एम एच जॉर्ज, लेकिन इनको किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, हमें किस आई के साथ हम इन केसेस को देख रहे हैं, डी रेडसन का केस है, किस आई के साथ देख रहे हैं ये समझना है, और किस केस में क्या हेल्ड हुआ, तो आपको याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा और इनसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं प्री में। तो देखिए, अब सवाल ये आता है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जब नॉन कोडिफाइड है अगर कोई लॉ, तब तो आपको ये दिमाग लगाना है सारा कि भाई क्या स्टेट ऑफ माइंड इसके लिए जरूरत होगी, कौन सा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। लेकिन जब अपन कोडिफाइड लॉज की बात करते हैं, जब सारी चीज एक ऑफेंस की डेफिनेशन में लिख के आपको दे दी गई है, क्या वहां भी आपको ये दिमाग लगाना है? क्योंकि भाई देखिए, मेंस रिया एक एसेंशियल एलिमेंट है, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू मेंस रिया एज वेल, देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस इन इंडियन पेनल कोड जिनके लिए मेंस रिया एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। कई सारे ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें इस इंटेंशन या फिर इस गिल्टी माइंड को बताने के लिए कोई टर्मिनोलॉजी यूज्ड ही नहीं है। जैसे आप किडनैपिंग की डेफिनेशन अगर आईपीसी की पढ़ेंगे, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो आपको समझ में आएगा कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड है ही नहीं। अब इन केसेस में यह सवाल आता है कि भाई हम क्या प्रिज्यूम करें, क्योंकि आप किडनैपिंग की डेफिनेशन आईपीसी में देखेंगे या बायगेमी आप देखेंगे, एक्सप्रेसली कोई ऐसा टर्म नहीं है, या जो पब्लिक न्यूसेंस वाले ऑफेंसेस आप देखेंगे कई जगह, वहां आपको ये चीज मिल जाएगी, जो पब्लिक ट्रैंक्वालिटी से रिलेटेड जो नॉर्मली होते हैं, पब्लिक सेफ्टी हेल्थ से रिलेटेड, वहां कोई स्पेसिफिक नॉलेज या इंटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने अगर वो स्पेसिफाइड एक्ट कमिट कर दिया, चाहे आपने जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो एक्ट कमिट किया हो, वो एक्ट अपने आप में ऑफेंस बन जाता है। इसीलिए वो क्या माने जाते हैं, एक्सेप्शन माने जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया के, कि बिना मेंस रिया के भी वो एप्लीकेबल है। अब जिन केसेस का मैंने आपसे जिक्र किया उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या हैं और क्या उनमें हेल्ड हुआ है, लेकिन ये जानिए कि किस कंटेक्स्ट में अपन उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहां ये आता है कि जब आप कोडिफाइड लॉ की बात कर रहे हैं, जब आपने एक पर्टिकुलर ऑफेंस की ऑलरेडी एक डेफिनेशन दे दी है, क्लियरली आपने लिख के ये बता दिया है कि इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। अब मान लीजिए, देखिए दो तीन कंडीशन बनेगी कोडिफाइड लॉ में। एक तो वो कंडीशन जहां मेंस रिया को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्सप्रेस प्रोविजन है, एक्सप्रेस कोई टर्म यूज किया गया है। जैसे आप थेफ्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो डिसऑनेस्टली वर्ड इस्तेमाल किया गया है थेफ्ट की डेफिनेशन में क्लियरली। आप मर्डर देखेंगे तो वहां इंटेंशन वर्ड यूज है, नॉलेज वर्ड यूज है। आप मिसचीफ देखेंगे तो दोनों है, इंटेंशन भी लिखा है, नॉलेज भी लिखा है कि इस नॉलेज के साथ आपने ये काम किया या इस इंटेंशन के साथ आपने ये फिजिकल एक्ट किया, तब वो एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो भाई एक्सप्रेसली प्रोविजन में दिया है तब तो मेंस रिया वहां अपन मानेंगे वो हो गई। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिनमें कोई एक्सप्रेस टर्म नहीं है जो मेंस रिया को बताता है, तो उन ऑफेंसेस के केस में क्या रूल एप्लीकेबल होना चाहिए, वेयर देयर इज नो एक्सप्रेस वर्ड और नो स्पेसिफिक वर्ड टू एक्सप्रेस मेंस रिया। जैसे किडनैपिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप को आप देखेंगे तो वहां कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं, उसमें बस इतना लिखा है कि कोई भी व्यक्ति एक बच्चे को जो 16 साल तक की का मेल या फिर 18 साल तक की फीमेल या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को उसके लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के बिना लेके जाता है या एंटाइस करता है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है। अब वो किस इंटेंशन या किस मेंटल स्टेट में ले गया है इससे कोई मतलब नहीं है,
वहां एक्सप्रेस कोई टर्म नहीं लिखा। अब यहां सवाल ये आता है कि क्या ऐसे ऑफेंसेस में भी हम ये प्रिज्यूम करें कि भाई उसका कुछ ना कुछ गिल्टी माइंड होना चाहिए तभी लायबल है। अगर उसने ये प्रूफ कर दिया अक्यूज ने कि उसका कोई आज सच गिल्टी माइंड नहीं था, वो तो ऐसे ही लॉफुल गार्जियनशिप से किसी बच्चे को ले गया थोड़े समय के लिए, तो क्या हम उसको जाने दें? हम वहां पे ये प्रिज्यूम कर लें कि यार क्योंकि एक्सप्रेसली भले ही कोई टर्म नहीं है किडनैपिंग की डेफिनेशन में, कोई एक्सप्रेस टर्म नहीं है जो मेंसिरिया को बता रहा है, लेकिन हमें ये प्रिज्यूम करना है कि मेंसिरिया तो यार होना ही चाहिए, बिना उसके तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी। क्या ये प्रेजम्पशन सही है? या फिर इसका कॉन्ट्ररी ओपिनियन है कि ये हो सकता है कि भैया जो लिखा है क्योंकि कोडिफाइड लॉ है तो जैसा लिखा है एज इट इज इंटरप्रेट करिए, जब वहां कोई स्पेसिफिक टर्म है ही नहीं स्टेट ऑफ माइंड को बताने के लिए तो आप अपना दिमाग मत लगाइए कि इसमें कोई गिल्टी माइंड चाहिए, आप तो सीधा सीधा एसेंशियल पढ़िए और वो जो लिखा है एज इट इज आप मानिए। सो द सेकेंड और द लेटर व्यू इज ऑफ मच यूज, और वो यूज होता है प्रेजेंट टाइम्स में कि भैया कोडिफाई का मतलब यही है कि वट एवर वॉज रिक्वायर्ड वो लिख दिया गया है, इसीलिए जितना लिखा है आप उतना समझिए बस। अगर उसमें कोई स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, एक पर्टिकुलर एक्ट डिफाइन किया है, आपने अगर वो एक्ट किया तो आप गिल्टी होंगे, दैट्स द कंक्लूजन। और ये सब किसके बेसिस पे आता है? इन केसेस के। तो अब एक एक करके इन केसेस के बारे में ब्रीफ में बात करते हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा केस मेंसरिया में डील नहीं करता या कौन सा केस इनमें से मेंसरिया में डील करता है। तो जैसा मैंने आपको केसेस के नाम बताए, लिखते जाइए इससे रिलेटेड केसेस भी आप साथ साथ। आर वर्सेस प्रिंस सबसे पहले, इस केस में होता क्या है कि ये जो प्रिंस साहब हैं, ये जो आर वर्सेस प्रिंस है 1875, इसमें जो ये प्रिंस साहब हैं, ये एक फीमेल को हु वाज बिलो द एज ऑफ 16, अ गर्ल ऑफ बिलो द एज ऑफ 16, इसको ये लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर ले जाते हैं और बाद में जब इनको एबडक्शन के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है तो ये डिफेंस लेते हैं कि हमें पता नहीं था कि उस लड़की की एज इतनी कम है, क्योंकि वो उसको देख के ये लग रहा था कि शी इज अबव 18। सो इस कंसेप्ट, इस मिसकंसेप्शन में, क्योंकि वो देख के हमें लगा कि 18 से ऊपर की, इसलिए हम ले गए, और जो ऑफेंस था वो ये कह रहा था कि 16 से कम होना चाहिए तभी वो ऑफेंस माना जाएगा एज सच एक पर्टिकुलर ऑफेंस। और इनका ये कंटेंशन था इस केस में कि वो देख के उससे ज्यादा एज की लग रही थी, ठीक, ये कंटेंशन यहां पे था। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि साहब आप गिल्टी हैं, ये कंटेंशन आपका काम नहीं आएगा इन योर गिल्टी। जो तीन जजेस की बेंच थी दो ने हेल्ड किया कि ये गिल्टी है, यहां पे एज सच नॉलेज का कोई काम नहीं है कि आपको नॉलेज था या नहीं, क्योंकि आप एनीवेज एक इमोरल एक्ट कमिट कर रहे थे और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड कोई पर्टिकुलर रिक्वायर्ड थी कि नहीं। और इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ सच थिंग, जो है जो एक्सप्रेस चीज है उससे ही आपको सिर्फ गिल्टी मान लिया जाएगा। आपका ये कंटेंशन कि आप उसे देख के ये नहीं समझ पाए कि वो लड़की की एज क्या है या उसको आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, ये कंटेंशन माना नहीं जाएगा एंड द accused was held guilty in this case। ऐसे एक दूसरा केस है R versus Tolson, ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसरिया से रिलेटेड। दूसरा है R versus Tolson, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस R versus Tolson इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट 1889। देखिए इस केस में क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं जो अपनी वाइफ को डेजर्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मिस्टर टॉल्सन थे वो जिन्होंने अपनी वाइफ को डेजर्ट कर दिया, काफी टाइम तक वो उनसे मिले नहीं, पता नहीं चला मिस्टर टॉल्सन के वेयर अबाउट्स के बारे में। अब इनकी जो वाइफ थी वो इस मिसकंसेप्शन में, क्योंकि काफी दिनों से देखा नहीं, पता नहीं कहाँ है, और हाँ 7 साल नहीं हुए थे, क्योंकि नॉर्मली है कि 7 साल तक किसी व्यक्ति को देखा सुना ना गया हो तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि डेथ हो गई है उसकी, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, बट काफी एक रीजनेबल टाइम तक उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा नहीं, मिली नहीं, और कोई किसी ऐसे व्यक्ति से उनका सामना नहीं हुआ जिसने उन्हें देखा या वो उनसे मिला हो। तो इस प्रजम्पशन में, इनकी वाइफ ने इस प्रजम्पशन में कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है सेकंड मैरिज कर ली, दूसरी शादी कर ली, और उसके कुछ समय बाद मिस्टर टॉल्सन अपियर होते हैं और फिर मिसेस टॉल्सन को
प्रोसिक्यूट किया जाता है फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। इसमें यहां प्रूफ उन्होंने उनका कंटेंशन ये था, मिस्टर टॉल्सन की वाइफ का कंटेंशन ये था कि दैट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक ऑन माय पार्ट। भाई कहीं कुछ पता नहीं था हस्बैंड का, इसीलिए ये प्रेज्यूम किया कि ही इज डेड और फिर सेकेंड मैरिज परफॉर्म करी। एंड द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड कि भाई साहब ये चीज आप समझिए कि यहाँ पे इनके पार्ट पे कोई एज सच गिल्टी माइंड नहीं है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ जेन्युइन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह इसे हमें लेना है, और इसीलिए इस केस में देयर वॉज नो कन्विक्शन, देयर वॉज नो कन्विक्शन एंड शी वॉज हेल्ड टू बी नॉट गिल्टी। दैट वॉज द जजमेंट, दैट वॉज आर वर्सेस टॉल्सन जो बाइगेमी से रिलेटेड केस है। इसी का कॉन्ट्ररी केस, बायगेमी से रिलेटेड ही एक कॉन्ट्ररी केस है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आर वर्सेस वीट एंड आर वर्सेस स्टोक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर वर्सेस स्टोक, इसमें क्या होता है, इस केस को भी थोड़ा समझिएगा। दिस इज 1921। सिमिलर बायगेमी से रिलेटेड ही केस है, बट वहां ये था कि जो वाइफ थी, जो मिसेज टॉल्सन थी, उन्होंने इस बिलीफ में दूसरी मैरिज परफॉर्म कर ली थी कि उनके पिछले हस्बैंड की डेथ हो गई है। यहां होता ये है कि जो हस्बैंड है उन्हें वाइफ ने ये चीज इंडिकेट करी कि अब मैं डिवोर्स लेने वाली हूं और जल्दी तुम्हें डिवोर्स के पेपर साइन करने हैं, ये बात वाइफ ने हस्बैंड से कही। अब यहां ये जो हस्बैंड है इन्हें बहुत ज्यादा जल्दी थी और इन्होंने वो ऑफिशियल डिवोर्स का वेट किए बिना ही प्रिज्यूम कि भाई अब तो डिवोर्स हो ही गया है, वाइफ ने तो बोल ही दिया है कि जल्दी आपको पेपर मिल जाएंगे साइन करके मैं दे दूंगी और हमारा डिवोर्स हो जाएगा, इन्होंने जाके दूसरी शादी कर ली, रुक नहीं पाई ये थोड़ी देर, सो ही कमिटेड बाइगेमी। अब यहां पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दैट्स अ मिस्टेक ऑफ लॉ एक्चुअली। भाई आपको पता है बाइगेमी ऑफेंस है, आपको पता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप दूसरी शादी कर रहे हैं आपका पिछला स्पाउस लिविंग है और उसके बाद भी आप दूसरी शादी कर रहे हैं, टॉल्सन का रेफरेंस इधर लिया गया, बट यहां ये हेल्ड किया गया कि वहां के फैक्ट्स अलग थे। शी वाज अंडर अ मिसकंसेप्शन कि उनका हस्बैंड मर चुका और जेन्युइन वो बोनाफाइड मतलब एक गुड फेथ में किया हुआ बिलीफ था, क्योंकि कोई ऐसी संभावना जो जो हो सकती थी वो सारी चीजें हुई जिससे पता चल जाए कि हस्बैंड अलाइव है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद शी परफॉर्म बायगेमी, मगर आपने तो इतनी जल्दी ये चीज कर ली जानते हुए कि अभी ऑफिशियली वो चीज हुई नहीं है डिवोर्स वाली आपकी और आपने बाइगेमी कमिट कर लिया, सो इन दैट केस ही वॉज हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ बाइगेमी। सो ये केस भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये तो हो गए आपके केसेस जो कॉमन लॉ से रिलेटेड नॉर्मली हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस है शरास वर्सेस डीरटसन, ये भी आप याद रखिएगा, शरास वर्सेस डीरटसन। सो शिराज वर्सेस डीरटसन का जो केस है दैट इज 1895 एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए इस केस में होता क्या है, थोड़ा समझना इस चीज को। देयर वॉज एन ऑफेंस जिसमें ऑफेंस ये था कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो कि ऑफिशियल ड्यूटी पे है, किसी पब्लिक सर्वेंट को जो कि ऑफिशियल ड्यूटी पे है, अगर आप लिकर सेल करते हैं या डिलीवर करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो नौकरी पे है और आपको इस बात का नॉलेज है कि द पर्सन इज ऑन ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी, उस समय अगर आप लिकर प्रोवाइड करते हैं तो दैट एक्ट वॉज प्रोहिबिटेड, दैट वॉज एन ऑफेंस। ये जानते हुए एक पब्लिक सर्वेंट की वो नौकरी पे, उसको अगर आपने लिकर दिया तो दैट वॉज एन ऑफेंस। अब यहां जो अक्यूज था इसने ऐसा किया था, एक पब्लिक सर्वेंट को, एक पुलिस ऑफिसर को इसने लिकर सप्लाई कर दिया। जब अक्यूज्ड बना वो, जब उसके अगेंस्ट ये प्रोसिक्यूशन चल रहा था, उसका कंटेंशन ये था अक्यूज्ड का कि साहब ये जो पब्लिक सर्वेंट था ये अपनी यूनिफॉर्म में नहीं था, एंड आई हैड नो मीन्स टू कंसीडर और आई हैड नो मीन्स टू रिकॉग्नाइज दैट द पर्सन इज ऑन ड्यूटी। इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ये व्यक्ति ड्यूटी पे है जिस समय हमने इसे लिकर सप्लाई किया। तो इस केस में यह चीज हेल्ड हुई थी कि यस देयर वॉज
अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पर्सन, और वो जेन्युइन है। भाई आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे किसी व्यक्ति को कि वो ड्यूटी पे है या नहीं? तो दैट इज अ फैक्टर कि वो यूनिफॉर्म में नहीं था और उसे उसने ये चीज एक्सप्रेस नहीं करी। इसीलिए जिस व्यक्ति ने उसे लिकर सप्लाई की थी उसके पास कोई मीन्स नहीं था टू नो दैट द पर्सन इज ऑन ड्यूटी, एंड ही वॉज हेल्ड टू बी नॉट गिल्टी। जो अक्यूज था ही वॉज हेल्ड टू बी नॉट गिल्टी। So that is the another case which is also very important for the purpose of mens rea. तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कंटेक्स्ट में आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस कंटेक्स्ट में अपन इन केसेस की बात कर रहे हैं। अब अपन अच्छा इसके बाद एक केस और आप नाम बस ध्यान रखिएगा, ब्रेंड वर्सेस वुड, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ब्रेंड वर्सेस वुड ये मॉडर्न टाइम का जो एप्लीकेबल मेंस रिया है उसकी स्टार्टिंग इसे माना जाता है 1946 का केस है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बस नाम इसका आप ध्यान रखिए। अच्छा इसके बाद एक केस जो इंडियन कोर्ट्स ने जैसे डिसाइड किया है और इंडियन कोर्ट्स ने अप्लाई किया ये इन्हीं इसी तरीके की रीजनिंग, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात जो करी इंडियन कोर्ट्स ने, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस को भी ध्यान रखिएगा, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो केस है ये है आपका 1965, 1965। देखिए इस केस में क्या होता है, एक साहब है जो ज्यूरिख से मनीला जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये जा रहे थे गोल्ड लेके। इनके पास एक सब्सटेंटिव क्वांटिटी ऑफ गोल्ड था। इंडियन एयरपोर्ट पे भी ये लैंड करे और एक नोटिफिकेशन, जब ये फ्लाई कर रहे थे उसके पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप भारत के थ्रू भी फ्लाई कर रहे हैं और आपके पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज्यादा का गोल्ड या जो भी गोल्ड आप कैरी कर रहे हैं आपको वो बात एक्सप्रेसली बतानी है। अपनी डिटेल्स में आपको ये बात एक्सप्रेस करनी है कि आप कितना गोल्ड लेके चल रहे हैं। और इसमें जो अक्यूज्ड पर्सन था वो उस एक सब्सटेंटिव क्वांटिटी का गोल्ड लेके ट्रैवल कर रहा था और इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था, सो ही वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। अब यहां पे अक्यूज का कंटेंशन ये था, उनका कहना ये था कि साहब मुझे पता ही नहीं कि ये नोटिफिकेशन आ गया है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये नोटिफिकेशन आया है और मुझे ये बात एक्सप्रेसली बतानी है कि मैं कितना गोल्ड लेके चल रहा हूं। अब आप बताइए क्या ये कंटेंशन एक्सेप्टेबल है कि आपको लॉ की जानकारी नहीं है? इसको हम क्या कहते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ, दैट इज नॉट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जैसे टॉलसन से हुआ था, मिसेस टॉलसन से, कि शी वाज अंडर दैट मिसकंसेप्शन दैट इज हर हस्बैंड इज डेड। बट यहां क्या है, इनको लॉ की जानकारी नहीं है कि ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया हुआ है। एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कैरी नहीं कर सकते। ही वॉज टेकिंग दैट कंटेंशन, So, ये कंटेंशन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब भले ही आपका कोई गिल्टी माइंड नहीं है, आप इस बात को समझिएगा, मेंस रिया के अंदर ये क्यों आता है, क्योंकि यहां स्पेसिफिक कोई गिल्टी माइंड नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें लॉ नहीं पता, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इवन विदाउट एनी गिल्टी माइंड यू आर लाइबल हेयर, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट कंसिडर्ड और इस केस में अक्यूज्ड को लाइबल किया गया था। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी कहानी आपको इन केसेस की बता दी है तो आई होप कि आप इन केसेस को याद रख पाएंगे। ये सब मेंस रिया से रिलेटेड हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अपन बहुत तेजी में रिविजन करने के मूड में नहीं है, वी हैव सफिशेंट टाइम। तो आईपीसी को अपन थोड़ा ऐसे करेंगे कि हर तरीके के सवाल हमसे बन जाए और थोड़ा समझ में भी आए, सिर्फ पॉइंट्स नहीं मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, थोड़ा अपन समझेंगे भी, है ना। पिछली बार थोड़ा समय कम था इसलिए उस हिसाब से किया था, अभी वी हैव टाइम फॉर दैट। और किसी ने पूछा है क्लासेस कब तक होंगी, कितनी होंगी, तो 6 से 7 क्लास अप्रोक्सीमेटली मैंने रखा है। बहुत स्ट्रिक्ट मैंने शेड्यूल नहीं बनाया है जैसे पिछली बार था कि 2 में ही होगा, ऐसा नहीं है। मैंने 5 से 6 या 6 से 7 क्लासेस रखी है, अपने फ्लो में चलेंगे आराम से अपन, है ना, जैसा लगेगा उस तरीके से काम करते जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि बस उड़ा देना है चीजें हमें, ठीक।
चलिए, तो इस अब ये तो हो गई मेंसरिया से रिलेटेड केसेस की बातें स्पेसिफिक। अब जैसा मैंने आपको कहा था, कि मेंसरिया को दर्शाने के लिए, मेंसरिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्ट्स हैं हमारे, जो आईपीसी है हमारा कोडिफाइड लॉ, वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करता है। कुछ को जानना बहुत जरूरी है जो इधर डिफाइन नहीं है। अभी अपन जनरल एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। जैसे आपको वहां वॉलंटरली की डेफिनेशन मिल जाएगी, वहां आपको डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन मिल जाएगी, वहां आपको फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया है या नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज उस डिफरेंस को आपको समझाने की आईपीसी के कंटेक्स्ट में। बट इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज डिफाइन है, बट कुछ टर्म्स है जो डिफाइन नहीं है, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे जब अपन ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, वहां यूज होंगे और वो एक स्पेसिफिक गिल्टी माइंड या स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं। इसलिए उनके बीच का फर्क जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनमें से एक टर्म है मोटिव, जो आप सबने सुना होगा, दैट इज मोटिव एक टर्म है। एक टर्म है आपका इंटेंशन। अब इनकी डेफिनेशन नहीं है भाई साहब आईपीसी में। एक टर्म है नॉलेज, और एक जैसा मैंने कहा स्टेट ऑफ माइंड, जो जनरली आईपीसी में कंसीडर नहीं होती है, सिर्फ जहां डेथ कॉज कर दें वहां कंसीडर किया जाता है, एंड दैट इज नेग्लिजेंस। ठीक, तो अब इस बात को समझिए जरा कि इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। एक बेसिक आइडिया मेरे ख्याल आपके पास होगा, बट इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब ऑफेंस पढ़ेंगे, अगर आपको नॉलेज और इंटेंशन में फर्क नहीं पता, तो उस ऑफेंस को शायद आप बहुत अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम शायद हो सकती है, इसीलिए इन टर्मिनोलॉजीज के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटिव इसमें जो है, ये बात ध्यान रखना, ये मेंस रिया का पार्ट नहीं है, इससे क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स नहीं करी जाती। मोटिव रेलेवेंट किधर होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट में। मोटिव रेलेवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में, किसी व्यक्ति का ऑफेंस प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट इससे क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज नहीं होती, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिल्टी माइंड। लेकिन इंटेंशन है उसका पार्ट, नॉलेज है उसका पार्ट, और नेग्लिजेंस भी है। तो इन सब के बीच का जो माइन्यूट एक जो डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। सो देखिए, मोटिव क्या होता है? मोटिव एक ब्रॉड आइडिया है, इट इज द अटमोस्ट ऑब्जेक्ट। लिख लीजिए आप चाहें तो मोटिव की डेफिनेशन, मोटिव इज द अटमोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग अ थिंग। जैसे मैं किसी की जान लेना चाहता हूं, मुझे एक व्यक्ति का मर्डर करना है, मुझे किसी व्यक्ति को जान से मारना है। अब ये जान से मारना क्या है? रिजल्ट है मेरे एक ह्यूमन कंडक्ट का। मैं कुछ एक्ट करूंगा, मैं उस व्यक्ति को गोली मारूंगा, मैं उस व्यक्ति को चाकू मारूंगा, मैं उस व्यक्ति को जहर दूंगा, कुछ भी करूंगा, और कौन सा कंसिक्वेंस प्रोड्यूस करूंगा? डेथ का कंसिक्वेंस। अब मैं उस व्यक्ति की डेथ क्यों करना चाहता हूं, मैं वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस क्यों प्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज मोटिव। कि मैं वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस, अब मैं वो किसी व्यक्ति की अगर जान लेना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली बात है उसने कुछ किया होगा, तभी मैं उस व्यक्ति की जान लेना चाह रहा हूं। हो सकता है मेरी कोई राइवलरी हो उससे, हो सकता है मैंने उससे पैसे उधार ले रखे हो जो मुझे उसे वापस करना है, अगर वो जिंदा रहेगा तो पैसे मांगेगा। सो दैट कैन बी अ मोटिव बिहाइंड किलिंग अ पर्सन। सो दैट्स व्हाट वी रेफर एज मोटिव। अब अपन आते हैं इंटेंशन पे। तो इंटेंशन थोड़ी बात की स्टेज है। वैसा जरूरी नहीं कि हर ऑफेंस में मोटिव हो ही, ऐसा जरूरी नहीं, देयर मे बी एक्सेप्शंस, बट जनरली ये होता है। इसके बाद अपन आते हैं इंटेंशन पे, तो वो थोड़ी लेटर स्टेज है। जब मेरा मोटिव फ्रेम हो गया, मेरे पास एक कारण है किसी व्यक्ति की जान लेने का। अब इस बात को समझना ध्यान से, मेरे पास एक कारण है किसी व्यक्ति की जान लेने का, कि मुझे व्यक्ति को क्यों मारना है, क्योंकि मैंने उससे एक अच्छा खासा सम ऑफ मनी ले रखा है, अच्छा खासा पैसा उधार ले रखा है, जिंदा रहेगा तो वापस मांगेगा, इसलिए उसको निपटा देते हैं। ये मेरा मोटिव है। अब जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करनी है, वो मैं कोई एक्ट कमिट करके करूंगा, कोई एक स्पेसिफिक एक्ट करूंगा, जैसा मैंने कहा गोली मारूंगा, चाकू मारूंगा, जहर दूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। जब मैं ये स्पेसिफिक एक्ट कर रहा हूं जिससे मैं वो कंसिक्वेंस प्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा वो जो कंडक्ट है, मेरा वो जो एक्ट है, वो मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में कर रहा हूं, यहां से डिसाइड होगा आपका इंटेंशन। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को गोली मार रहा हूं, शूटिंग का मैं एक्ट कर रहा हूं, किसी व्यक्ति को शूट कर रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, इसका मतलब यह है दैट आई हैव शूटेड दैट पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। इसीलिए इंटेंशन अगर आप लिखना चाहें शॉर्ट में, तो लिख लीजिए, इंटेंशन इज द डिजायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कंसिक्वेंस
कंसिक्वेंस. इंटेंशन क्या होता है? इट इज द डिजायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कंसिक्वेंस. अब देखिए, मैं किसी व्यक्ति को अगर एम करके गोली मार रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस गोली से वो व्यक्ति मर जाए, तो ये कहा जाएगा कि मैंने उस व्यक्ति को शूट किया है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, क्योंकि उस शूट करने के पीछे मैं ये चाहता था, मेरी ये डिजायर थी कि मेरे इस शूटिंग के एक्ट का ये पर्टिकुलर कंसिक्वेंस हो कि इस व्यक्ति की जान चली जाए. ये होता है आपका इंटेंशन, कि उस एक्ट को करते समय मेरा इंटेंशन क्या है. अब वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस जो मैं प्रोड्यूस करना चाह रहा था अपने एक्ट से, वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस मैं क्यों प्रोड्यूस करना चाह रहा था, वो है आपका मोटिव, कि वो पर्टिकुलर कंसिक्वेंस मैं अपने एक्ट से क्यों प्रोड्यूस करना चाह रहा था. दैट्स मोटिव. उसके बाद बात करता हूं अगर नॉलेज की मैं, तो नॉलेज में आप लिख सकते हैं ब्रीफ में, इट्स द अवेयरनेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट. जब भी आप कोई एक्ट कमिट कर रहे हैं, अगर आप उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में जानकारी रखते हैं एज अ प्रूडेंट पर्सन और एज अ रीजनेबल पर्सन, तो यह कहा जाएगा दैट यू हैव डन दैट एक्ट विद द नॉलेज ऑफ द कंसिक्वेंस. जैसे मान लीजिए, हो सकता है मैं किसी अपने एक्ट से एक व्यक्ति की डेथ कॉज कर दूं जहां मैं चाहता नहीं था मारना, लेकिन ये हो सकता है कि भाई मुझे एज अ प्रूडेंट पर्सन नॉलेज था कि मेरे इस एक्ट का कंसिक्वेंस डेथ भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक नई गाड़ी खरीदी, एक बहुत अच्छी सी एसयूवी मैंने खरीदी, और उसको अच्छी खासी स्पीड में मैं एक दिन ठीक ठाक शाम के समय, ये समझिए 6-7 बजे के अराउंड, एक क्राउडेड सड़क है लेकिन मैं अपने आप को पायलट समझता हूं, और एक एसयूवी हैवी सी गाड़ी लेके मैं स्पीड में चला जा रहा हूं और रैश ड्राइव करते हुए मैं चला जा रहा हूं एक क्राउडेड सड़क पे स्पीड में. अब यहां अगर कोई व्यक्ति मेरी गाड़ी के सामने आता है और उसकी वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या आप ये कहेंगे कि मेरा इंटेंशन था उस व्यक्ति की डेथ कॉज करने का? मेरे जिस एक्ट से व्यक्ति की डेथ हुई, क्या आप कहेंगे कि मैंने विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ उस व्यक्ति को मारा है? मैं जो गाड़ी चला रहा था उसके पीछे मेरा इंटेंशन डेथ कॉज करने का था, क्या ये था? बताइए. सो द आंसर इज नो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. क्योंकि भाई अपन तो पैसे जो खर्च किए थे, अपन तो उसको वसूलना चाह रहे थे, बस कि गाड़ी खरीदी है महंगी, पैसे दिए हैं, तो मैं तो उस गाड़ी के मजे लेना चाह रहा था. मैं नहीं चाह रहा था कि इससे मैं किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करूं. मैं तो अपने एंजॉयमेंट, अपने प्लेजर के लिए चला रहा था इस तरीके से गाड़ी. तो इसका मतलब क्या मैं गिल्टी नहीं हूं? द आंसर इज नो, मैं बिल्कुल गिल्टी हूं. स्टेट ऑफ माइंड जो कॉन्स्टिट्यूट करता है स्पेसिफिक ऑफेंस अलग अलग आईपीसी के, उसमें सिर्फ इंटेंशन नहीं है. इसीलिए इसीलिए आप देखेंगे नॉलेज वर्ड भी लिखा है. आप मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे, नॉलेज भी लिखा है उसमें, कि आपको नॉलेज है अगर कि आपके एक्ट से डेथ हो सकती है और फिर भी आप वो एक्ट कमिट कर रहे हैं, तो भी आप गिल्टी ऑफेंस के लिए. अब ये टर्म आपको कई ऑफेंसेस में मिलेगा. जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटेंशन भी मिलेगा, नॉलेज हो सकता है कुछ ऑफेंसेस में सिर्फ इंटेंशन मिले, कुछ में सिर्फ नॉलेज मिले, कुछ में दोनों मिले. तो वो स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड आपको उधर समझनी पड़ेगी. इसीलिए मैं आपसे ये डिफरेंस की चर्चा कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं करता. ये जो डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूं, ये बस इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑफेंस जब अपन पढ़ने जाएंगे, वहां ये चीज दिमाग में आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. इन टर्मिनोलॉजीज के बीच का डिफरेंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए. आई होप आई हैव कन्वेड दिस टू यू. क्या डिफरेंस है मोटिव में, इंटेंशन में और नॉलेज में? तो नॉलेज इज मेयरली द अवेयरनेस ऑफ द कंसिक्वेंस, दिस इज वेयर यू डिजायर दैट कंसिक्वेंस टू हैपन. अब अगर आप इंटेंशन और नॉलेज के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे, तो नॉलेज तो अवेयरनेस तो दोनों में, पता तो मेरे को है कि मेरे इस एक्ट का ये पर्टिकुलर कंसिक्वेंस होने वाला है या हो सकता है. लेकिन नॉलेज तब कहा जाएगा जब मुझे बस पता है कि हो सकता है, मैं चाहता नहीं था, मैं वो एक्ट इस डिजायर के साथ नहीं कर रहा था कि उसका ये कंसिक्वेंस हो, लेकिन एज अ प्रूडेंट पर्सन मुझे पता था कि ये हो सकता है. और ऐसे ही एक होता है आपका इंटेंशन, जहां पे मैं ये डिजायर कर रहा हूं, तो जहां डिजायर है वहां कहा जाएगा इंटेंशन. एंड इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया. आईपीसी में आप ऑफेंसेस पढ़ेंगे तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया. इंटेंशन इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट डिग्री. उससे थोड़ी कम डिग्री है नॉलेज, क्योंकि इसमें डिजायर खत्म हो जाती है, अवेयरनेस होती है बस. जैसे आपको पता होगा कि सलमान भाई के ऊपर एक केस चल रहा था इसी से रिलेटेड, कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड, की फुटपाथ पे गाड़ी चलाई है. तो अब सलमान भाई का, वैसे तो ड्राइवर ने चलाई है वो गाड़ी, तो
क्या इंटेंशनली ये काम किया गया था? आंसर इज नो, दैट वाज मेयरली नॉलेज। और नॉर्मली जो इस तरीके के एक्सीडेंटल केस होते हैं, एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं, उसमें जनरली व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता। हाँ, अगर आप इंटेंशन, जैसे मूवीज में आपने देखा है कि ट्रक लेके मर्डर करने ही वो गया है, वो गाड़ी चढ़ाई उसके ऊपर इसलिए रहा है ताकि वो कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई ऑफिसर है, उसको मार ही देना है, तब बात अलग है, तब वो इंटेंशन है, क्योंकि आप चाह रहे थे कि इस एक्ट से आप व्यक्ति की डेथ कॉज करें। अदरवाइज जनरली ये चीज नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्ट एक्सक्यूजेबल है। दैट्स व्हाई नॉलेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं नेग्लिजेंस पे। नेग्लिजेंस क्या है? अब आखिरी लीस्ट डिग्री, और जैसा मैंने कहा नेग्लिजेंस किसी और ऑफेंस में रेलेवेंट नहीं है आईपीसी में, एक्सेप्ट डेथ। डेथ कॉज करेंगे तो पनिशेबल है नेग्लिजेंटली। नेग्लिजेंटली आप किसी का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फोन तोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आप नेग्लिजेंट एक्ट के लिए जनरली आईपीसी में जनरली आप लाइबल नहीं होते, लेकिन डेथ कॉज करने के लिए आप होते हैं, सेपरेट स्पेसिफिक ऑफेंस है। अब नेग्लिजेंस अपन कब कहेंगे? देखो, नॉलेज में रीजनेबल प्रोबेबिलिटी या एक प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से अपन देखेंगे तो कोई भी आपकी जगह और होता, उस व्यक्ति को पता होता कि आपके एक्ट का ये कंसिक्वेंस हो सकता है। लेकिन नेग्लिजेंस जो है, दिस इज मेयरली लैक ऑफ केयर। नेग्लिजेंस वर्ड का मीनिंग क्या है? दिस इज मेयरली लैक ऑफ केयर। ये नॉलेज जितनी डिग्री नहीं है बट उससे थोड़ी कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कार ड्राइव करते हुए एक रोड पे जा रहे हैं जिसमें बहुत हाई स्पीड पे नहीं है, जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि 120 140 की स्पीड में एसयूवी लेके जा रहा हूं क्राउडेड सड़क पे, दैट इज अनदर थिंग। वहां तो नॉलेज है, किसी भी प्रूडेंट पर्सन को नॉलेज होगा कि इससे डेथ हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक रीजनेबल स्पीड में 70 80 की स्पीड में आप जा रहे हैं और ठीक ठाक सी सड़क है, एकदम क्राउडेड सड़क नहीं है, खाली ही सड़क है थोड़ी सी, लेकिन मान लीजिए आपका फोन बगल में रखा हुआ है आपके साइड में और उस पे एक व्हाट्सएप का बहुत इंपॉर्टेंट वाला नोटिफिकेशन आता है, आप रिप्लाई, इतने नेग्लिजेंट तो आप नहीं है कि आप सीधे फोन उठा के और कॉल करने लगे या रिप्लाई, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला नोटिफिकेशन था तो इसीलिए आपने बस पॉपअप में देखने की कोशिश करी कि वही मैसेज है या नहीं, और इतने में कोई आपकी गाड़ी के सामने आया और आपने उसे उड़ा दिया। नाउ विल यू कॉल इट कि ये काम आपने नॉलेज के साथ किया, ये जो एक्ट आपने किया ये विद द नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ किया? नो। सो द आंसर इज नो। इसको अपन नॉलेज नहीं मान सकते एज अ प्रूडेंट पर्सन। दैट वाज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दैट वाज लैक ऑफ केयर, सो इट इज कंसीडर्ड एज नेग्लिजेंस, नॉलेज से थोड़ा कम। नॉलेज कब रहेगा? क्राउडेड सड़क है फिर भी मैं चला रहा हूं, लाइन ऑफ एक्शन में जो विक्टिम है मेरे को पता है एज अ रीजनेबल पर्सन, बट नेग्लिजेंस उससे थोड़ी कम डिग्री, दैट इज लैक ऑफ केयर। आई होप द डिफरेंस इज कन्वेड टू यू इन सब टर्मिनोलॉजी का, क्योंकि इसके बिना भैया आईपीसी पार नहीं लगेगा। और आधी समस्या यही है, ऑफेंसेस को करेक्टली, अब आप वो जो क्वेश्चंस देखते हैं ना, वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, जिनमें एक फैक्ट्स दिए रहते हैं, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड एक पर्टिकुलर फैक्ट दिया है सिनेरियो और उसमें आपसे पूछा है कौन सा ऑफेंस है या कोई ऑफेंस है या नहीं, वहां परेशानी इसलिए होती है क्योंकि ये बेसिक क्लैरिटी नहीं है आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल। ये एक बार आपके दिमाग में क्लैरिटीज हो गई देन इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं मेंस एरिया में। ये स्पेसिफिक बातें थी इससे रिलेटेड। इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन इधर ये भी होता है, मोटिव तो मैंने आपको बता दिया, इट इज नॉट एसेंशियल, वो मेंस एरिया का पार्ट नहीं है। एक टर्म आपने सुना होगा वाइकेरियस लाइबिलिटी, जो नॉर्मली टॉट में आपने पढ़ा होगा मास्टर सर्वेंट की लाइबिलिटी, तो क्या आईपीसी में ऐसा है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? तो ध्यान रखिएगा दो तीन पॉइंट, सेक्शन 154 और 155 ये बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी की, जहां आपने एक्ट नहीं किया लेकिन क्योंकि आप उस प्रमाइस के ओनर हैं और वहां पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है आप लाइबल हो जाते हैं, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी भी एप्लीकेबल है आईपीसी में, ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड एक केस भी है उसको भी याद रखिए, आर वर्सेस हिगिंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आर वर्सेस हिगिंस, दैट इज 1730 का केस है ये, और वाइकेरियस लाइबिलिटी के प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी की बात करता है ये आईपीसी में। ठीक, तो आईपीसी में अगर मैं मास्टर सर्वेंट की बात करूं, क्या मास्टर लाइबल होगा अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए? तो जनरली नहीं होता, क्रिमिनल लाइबिलिटी शेयर नहीं करता, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर मास्टर ने सर्वेंट से ऑफेंस करने के लिए ही कहा है और फिर वो ऑफेंस कमिट करता है, इन दैट केस मास्टर विल बी लाइबल, अदरवाइज नॉट। तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड बात है मेंस रिया की, एंड दैट्स ऑल अबाउट
एनसीईआरटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, केसेस के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो नॉलेज इंटेंशन का ज्ञान मैंने आपको दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, वो आगे काम आएगा जब अपन ऑफेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब निकाल लीजिए जरा अपना बेरेट आईपीसी का, और अब अपन एक एक करके प्रोविजन पे आ जाते हैं और प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, आईपीसी का स्ट्रक्चर समझ लो, जो स्टैट्यूट है उसका स्ट्रक्चर समझ लो। टोटल चैप्टर है इसमें 23, 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शन है, 511 सेक्शंस आर देयर व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 23 पार्ट्स, चैप्टर, अलग-अलग 23 चैप्टर में उन्हें डिवाइड किया गया है। पहला जो चैप्टर है दैट इज प्रिलिमिनरी, सो सेक्शन 1 देखिए, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द क्रिमिनल लॉ, सॉरी जो पहला जो प्रिलिमिनरी सेक्शन है दैट इज टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अब जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद नाउ इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट मैंने आपको पहले ही बता दी, वो ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। इसके बाद जो बाकी 2 से लेके 4 तक के प्रोविजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करते हैं आईपीसी के, इनको थोड़ा समझ भी लीजिएगा, इधर से क्वेश्चन भी बनते हैं। सो सेक्शन 2 से लेके 2, 3 और 4 जो हैं इनको थोड़ा सा समझिएगा, इनके बीच का कोरिलेशन थोड़ा समझिएगा कि सेक्शन 2 कहना क्या चाह रहा है, सेक्शन 3 कहना क्या चाह रहा है और सेक्शन 4 कहना क्या चाह रहा है। सेक्शन 2 देखिए जरा बेरेक्ट में, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, हेड नोट ये सारी बात बता देता है कि अंदर क्या लिखा हुआ है कंटेंट में, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, भारत में जो ऑफेंस कमिट होंगे उनका क्या पनिशमेंट होगा। सो एवरी पर्सन शाल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शाल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट डाउन करिए, इस सेक्शन 2 में स्पेसिफिक कोई कुछ बातें हैं जो मुझे आपको कन्वे करनी है। देखो सेक्शन 2 किसकी बात करता है, इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी, इंट्रा मतलब देश के अंदर होने वाले, भारत में होने वाले एक्ट पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा, ये सेक्शन 2 बता रहा है, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा है एवरी पर्सन, यहां मैटर ये नहीं करता कि वो व्यक्ति कौन है, वो फॉरेनर है वो इंडियन है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर एक्ट भारत की टेरिटरी में हुआ है तो इट विल बी गवर्न्ड बाय आईपीसी, इसीलिए लिखा है एवरी पर्सन शाल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शाल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो देखिए ये मान लीजिए भारत की टेरिटरी है, अब इसके अंदर जो भी एक्ट हो रहा है चाहे वो कोई भी करे, वो चाहे कोई फॉरेनर करे, वो चाहे कोई इंडिया का सिटीजन करे, कोई भी पर्सन इस टेरिटरी के अंदर कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी तो वो लाइबल है इंडिया में, दैट इज सेक्शन 2, इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। इसके बाद अपन आएंगे 3 और 4 पे, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन बताते हैं या भारत के बाहर कब एप्लीकेबल होता है आईपीसी या कैसे वो एक्ट्स गवर्न होंगे जो टेरिटरी के बाहर कमिट किए जा रहे हैं, इसके बारे में है 3 और 4। इन दोनों के बीच के कोरिलेशन समझिएगा, देखिए लिटरल मीनिंग तो आपने जितनी बार आईपीसी पढ़ा होगा आप समझ गए होंगे, लेकिन इनके बीच में कोरिलेशन है जिसको आपको थोड़ा समझना चाहिए। सो सेक्शन 3 देखिए, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। अब इस बात को समझिएगा कि सेक्शन 3 एक्चुअली आपको बताना क्या चाह रहा है। तो एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि सेक्शन 3 जो बात कर रहा है वो ऐसे एक्ट की बात कर रहा है जो इस इंडिया की टेरिटरी के बाहर कमिट हुआ है, ये जो टेरिटरी है इफ दिस इज इंडिया तो इसके बाहर कहीं कमिट हुआ, इधर कहीं कमिट हुआ, इधर हुआ, यहां कहीं हुआ, भारत की टेरिटरी के बाहर जो एक्ट कमिट हुआ है उस पर कब आईपीसी एप्लीकेबल होगा, ये शुरू 3 से ही हो जाता है। हम नॉर्मली ये समझते हैं कि सिर्फ सेक्शन 4 ये बताता है कि आईपीसी बाहर एप्लीकेबल कब होगा, तो आईपीसी कब बाहर एप्लीकेबल होगा ये सही है, 4 बता रहा है, लेकिन 3 का भी अपना एक कोरिलेशन है जिससे उस बाहर कमिट होने वाले एक्ट को पनिशेबल हम इंडिया में ऐसे बना रहे हैं एज इफ इट इज कमिटेड विद इन इंडिया।
तो सेक्शन 3 देखिए बेसिकली कह रहा है, एनी पर्सन लाइबल बाय एन इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऑफेंस भारत के बाहर हुआ है लेकिन शैल बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन दी सेम मैनर। आगे इस लाइन, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी एक्ट भारत के बाहर कमिट हुआ है और अगर वो एक्ट इंडिया में ऑफेंस होता या इंडियन लॉ उस पे एप्लीकेबल है, जैसे मान लीजिए यहां एक एक्ट कमिट हुआ और इस एक्ट पे इंडिया का कोई लॉ एप्लीकेबल है, ये जो ग्रीन मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन लॉ, मान लीजिए इस एक्ट पे भारत के बाहर ऑफेंस कमिट हुआ है, इस पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या सेक्शन 3 के हिसाब से इसे हम ऐसा डील कर सकते हैं एज इफ इट इज कमिटेड इन इंडिया? द आंसर इज नो। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट जो भारत के बाहर कमिट हुआ है बट इस पे इंडियन लॉ एप्लीकेबल है, तो सेक्शन 3 कहता है इसको ऐसे कंसीडर किया जाएगा एज इफ दिस एक्ट हैज बीन और दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया, अगर उस पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल है तो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब इंडियन लॉ एप्लीकेबल कब होगा इस एक्ट पे? तो इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जो एप्लीकेबल हो सकते हैं, अपन अभी बात कर रहे हैं एक्सप्रेसली या स्पेसिफिकली आईपीसी की, तो अपन ये देख लेते हैं कि इन एक्ट पे आईपीसी कब एप्लीकेबल है। अगर इन एक्ट पे आईपीसी एप्लीकेबल हुआ तो सेक्शन 3 के हिसाब से अपन ये समझ लेंगे एज इफ दिस एक्ट हैव बीन कमिटेड विद इन इंडिया। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहा भाई? यस बोल के बताते जाना आया कि नहीं, कि सेक्शन 3 है क्या। अपन उसको ऐसे ट्राई कर लेंगे भले ही वो एक्ट बाहर हुआ है लेकिन अपन उसको ऐसे ट्रीट करेंगे एज इफ इट हैज बीन कमिटेड इंडिया। कब करेंगे? इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, ऐसा ट्रीट तब करेंगे जब उस पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल हो रहा हो, जहां पर्सन लाइबल हो बाय एनी इंडियन लॉ, जो पहली लाइन लिखी है ना, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ। एक्ट भले ही भारत के बाहर हुआ है लेकिन जिस व्यक्ति ने एक्ट किया है वो लाइबल है भारत के कानून के हिसाब से इस एक्ट के लिए, तो लाइबल है तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे एज इफ यू हैव कमिटेड दिस एक्ट विद इन इंडिया। अब देखते हैं आईपीसी एप्लीकेबल कब होता है इन एक्ट पे, कब हो सकता है, किन सिचुएशन में आईपीसी एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे मैंने कहा साहब इस पे एप्लीकेबल नहीं है बट इन दो पे एप्लीकेबल है, तो अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आईपीसी इन दो पे एप्लीकेबल है या नहीं, उसके लिए पढ़िए सेक्शन 4। सेक्शन 4 बताता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। कब ये कोड आईपीसी कब एप्लीकेबल होगा भारत के बाहर किए जाने वाले एक्ट पे? तो सिंपल सा है, सिंपल सी सिचुएशन है इसमें। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, फर्स्ट है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी भारत का नागरिक, पर्सन नहीं लिखा, लिखा है एनी सिटीजन, तो भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर जाके कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है विच इज एन ऑफेंस एज पर आईपीसी, तो उसको ट्रीट किया जाएगा या वो ऑफेंस गवर्न होगा बाय आईपीसी, आईपीसी उस पर एप्लीकेबल होगा। इंडिया का सिटीजन भारत के बाहर जाके कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी, तो आईपीसी उस एक्ट पे भी एप्लीकेबल होगा भले ही वो भारत के बाहर कमिट किया गया हो, अगर इंडियन सिटीजन ने किया। जैसे भारत का एक नागरिक विदेश जाता है और वहां थेफ्ट कमिट करता है, तो वो एक्ट भले हुआ फॉरेन टेरिटरी पे है बट आईपीसी से वो गवर्न होगा या आईपीसी उस पर एप्लीकेबल होगा, और क्योंकि उस पर आईपीसी एप्लीकेबल है इसीलिए एज पर सेक्शन 3, इसीलिए एज पर सेक्शन 3 अपन इस एक्ट को ऐसे डील करेंगे एज इफ दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। ये बेसिकली कोरिलेशन है 3 और 4 का। अगला देखिए सेकंड, कब हम ट्रीट करेंगे बाहर कमिट हुए एक्ट को आईपीसी कब एप्लीकेबल होगा, तो सेकंड इज एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया व्हेनेवर सॉरी वेयर एवर इट मे बी। कोई भी एयरक्राफ्ट या शिप है जो भारत में रजिस्टर्ड है, अब वो कहीं भी फ्लाई कर रहा हो, कहीं भी सेल कर रहा हो, वो शिप इससे मतलब नहीं है, हाई सीज में है, किसी दूसरे की टेरिटरी में, इससे मतलब नहीं है। अगर वो शिप या एयरक्राफ्ट भारत में रजिस्टर्ड है, उस शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई भी व्यक्ति ऑफेंस कमिट करे,
यहाँ सिटीजन से भी मतलब नहीं है, कोई भी व्यक्ति उस पे, मान लीजिए इस पे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि साहब एक इंग्लैंड का सिटीजन एक अमेरिकन सिटीजन की जान ले लेता है एक ऐसे एयरक्राफ्ट में जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो आप बताइए क्या इस एक्ट पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा या ये गवर्न होगा आईपीसी से? तो आंसर इज यस, क्योंकि शिप या एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में उस पर कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट करेगा आईपीसी उस पर एप्लीकेबल है, और क्योंकि उस पर आईपीसी एप्लीकेबल है इसीलिए उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा एज इफ दैट एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। ये बात आपको सेक्शन 3 पहले ही बता चुका है। आई होप द आइडिया इज कन्वेड टू यू। तीसरी बात और देख लीजिए, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति कहीं भी लोकेटेड हो, अगर वो भारत में सिचुएटेड किसी कंप्यूटर रिसोर्स को लोकेट करके ऑफेंस कमिट कर रहा है, टारगेट कर रहा है किसी ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स को जो भारत में लोकेटेड है उसको टारगेट करके कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो वो भी आईपीसी में गवर्न होगा, भले ही वो करने वाला व्यक्ति, एक्ट कमिट करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में है या भारत की टेरिटरी के बाहर है, तब भी उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा, और क्योंकि उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा इसीलिए अपन उसको ऐसे ट्रीट करेंगे एज इफ द एक्ट हैज बीन कमिटेड इन इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से आपको 3 और 4 का कोरिलेशन समझ आ गया। 4 के बारे में ये, सेक्शन 4 के बारे में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 4 किन किन केसेस में एप्लीकेबल है, कब आईपीसी एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया बाहर जाके कोई ऑफेंस करे, दूसरी बात इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या शिप पे कोई ऑफेंस कमिट हो, कोई भी पर्सन करे, तीसरा इंडिया में सिचुएटेड किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके ऑफेंस कमिट किया जाए, इट विल बी और आईपीसी विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट, एंड बिकॉज आईपीसी इज एप्लीकेबल दैट एक्ट मे बी और दैट ऑफेंस मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, उसको कंसिडर कर सकते हैं एज इफ। अब भारत में कहां ट्रायल होगी इसके लिए सीआरपीसी का एक प्रोविजन याद रखिएगा, इन्हीं के साथ पढ़ना आपको आईपीसी का प्रोविजन 188, ये भी ध्यान रखिए भैया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताएगा आईपीसी का 188, सॉरी सीआरपीसी का जो 188 है ये प्रोसीजरल लॉ है, बट सीआरपीसी का 188 आपको ये बताता है कि इसकी ट्रायल भारत में कहां होगी। तो 88 कहता है कि जहां पे भी अक्यूज मिलेगा भारत में, वेयर एवर ही इज फाउंड, वेर एवर दी अक्यूज इज फाउंड इन इंडिया, वहीं उसकी ट्रायल हो जाएगी उसी टेरिटरी, उस जगह पे जिस भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा वो कोर्ट उसको ट्रायल कर लेगा। और इसका इलस्ट्रेशन आप देखिए सेक्शन 4 में दिया है, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, जहां भी भारत में पाया जाए उसके अगेंस्ट ट्रायल वहां चल जाएगी। ये बात हमें किसने बताई? 88 ने। तो अब मेरे ख्याल आप उस कोरिलेशन को समझ पाए कि 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, और 188 सीआरपीसी का मतलब क्या है, और इनमें डिफरेंस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है भैया। उठा के बस याद कर लिया है तो शायद अब काम नहीं चलेगा, जिस हिसाब का कॉम्पिटिशन और जिस हिसाब के पेपर अब बन रहे हैं, थोड़ा सा समझना भी जरूरी है इन चीजों को। तो 188 भी मेरे ख्याल आपको समझ आया कि वो जगह बताएगा कि ट्रायल किधर है। सेक्शन 3 ने ये तो बता दिया कि इस एक्ट को हम ये ट्रीट कर सकते हैं एज इफ इट इज कमिटेड इन इंडिया, लेकिन उसकी ट्रायल किधर होगी इसके बारे में 188 सीआरपीसी आ जाएगा। सो दैट इज द कोरिलेशन और दैट इज द लिंक बेसिकली बिटवीन दीज प्रोविजंस। इलस्ट्रेशन जैसा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी आते हैं। एक सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ, आप जरा बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि आपने ये टेरिटोरियल एप्लीकेशन पढ़ लिया है मेरे साथ, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप जवाब बता पाए। एक सवाल आता है कि भारत की, सॉरी पाकिस्तान, जैसे मान लीजिए ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया और ये बॉर्डर है हमारी, यहां पे एक व्यक्ति है जिसने गोली चलाई है और भारत में जो व्यक्ति ये खड़ा हुआ था इसको उसने गोली मारी, शूट जो इसने किया यहां से किया बंदूक लेके एक व्यक्ति को गोली मारी है जो कि भारत में है, इसकी डेथ कॉज हो जाती है। अब आप बताइए क्या आईपीसी इस पे एप्लीकेबल होगा इस एक्ट पे? क्या ये मान लीजिए ये ए है ये बी है, क्या ए के इस एक्ट पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा? पाकिस्तान में खड़े होकर गोली चलाई है उसने और बी की डेथ हुई है इंडिया की टेरिटरी पे भारत में, बताइए अगर एप्लीकेबल है या नहीं आईपीसी यहां, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? कृति का कहना है नो, बाकी लोगों का, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं यस, ऑल राइट, कुछ कह रहे हैं नहीं, कुछ कह रहे हैं यस।
यस, सपना कह रही है यस, तनवीर कह रहे हैं यस यस। आईपीसी इज एप्लीकेबल बिकॉज द कंसिक्वेंस, जिस कंसिक्वेंस को एक्टस रियस जो मैंने बताया, जो ह्यूमन कंडक्ट का जो कंसिक्वेंस है, इफ दिस कंसिक्वेंस इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया देन दिस ऑफेंस शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज कमिटेड इन इंडिया, देन दिस ऑफेंस विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज कमिटेड विद इन इंडिया बिकॉज द कंसिक्वेंस इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दैट ह्यूमन कंडक्ट विच इज प्रोहिबिटेड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सो आईपीसी इज एप्लीकेबल। चलिए इसके बाद अपन आ जाते हैं सेक्शन 5, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हेड नोट से मैं आपको बता देता हूं। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, स्पेशल लॉ में कुछ दी है स्पेसिफिक बातें तो वो एप्लीकेबल होंगी, जनरल लॉज पे एज सच एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और कुछ स्पेसिफिक लॉज की बात है जिन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाइए चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6 बड़ा ही कॉमन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन इन दी कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, सेक्शन 6 सिर्फ आपसे ये कहता है कि जितने भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन आईपीसी के अंदर आप पढ़ेंगे, जितनी भी डेफिनेशन आईपीसी में आप देखेंगे, सबको पढ़ना है सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। एक सेपरेट चैप्टर है इधर पे जनरल एक्सेप्शन, उसमें ऐसी सर्कमस्टांसेस दी हुई हैं कि अगर उन सर्कमस्टांसेस में आप कोई एक पर्टिकुलर एक्ट कमिट करते हैं विच इज एन ऑफेंस एज पर एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड, तब भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आपने वो एक्ट तो कमिट किया, लेकिन क्योंकि आपने वो एक्ट उस स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में किया है जो उस चैप्टर में मेंशन है, तो उसे ऑफेंस हम नहीं मानेंगे। इसी बात को एक्सप्रेसली बताता है सेक्शन 6, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, 11 मार्क कर लीजिए, सेक्शन 11 आपसे पूछा जा सकता है। पर्सन, और पर्सन में ध्यान रखिएगा कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये इंक्लूड होते हैं, बस सेक्शन नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, कोई कंसेप्ट नहीं है इधर। इसके बाद सेक्शन 17 मार्क कर लीजिए, गवर्नमेंट पूछा जाता है किस सेक्शन में है गवर्नमेंट, तो सेक्शन याद रखिएगा 17, 18 है इंडिया। अच्छा आज जो अपन ये चीजें कर रहे हैं ना, कल की जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो एक क्विक ब्रशअप भी करूंगा मैं, आपसे सवाल करूंगा तुरंत इन चीजों से रिलेटेड, इसीलिए आज परसों ले रहे हैं, कल ये सब खुद से भी रिवाइज करके आइएगा, तब एक कॉन्क्रीट प्रिपरेशन जो अपन चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फोड़ देना है इस बार, वो तभी हो पाएगा, ठीक है। 18 इज इंडिया, डिफाइन किया है सिंपली, डेफिनेशन है, सेक्शन याद रखिएगा, दैट्स इट। इसके बाद आइए 19 जज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर का सवाल आता है, कौन जज होता है ये आता है, कौन नहीं होता है, इलस्ट्रेशन भयानक इंपॉर्टेंट है सेक्शन के, उनको जरूर अपन देखेंगे। सो देखिए 19 जज, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन, इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लीजिए, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए एंटाइटल्ड है वो जज होगा। डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब क्या, फाइनल जजमेंट। हाँ अपील में आप जा रहे हैं, हायर कोर्ट उसको रिवर्स कर सकता है या पलट सकता है, लेकिन सिमिलर ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, उस जिस भी कोर्ट ने जिस भी व्यक्ति को या कोर्ट को ये पावर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे ये पावर है कि कोई एक डेफिनेटिव जजमेंट दे पाए, और डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब कि सिमिलर रैंक का व्यक्ति उसे पलट नहीं पाएगा, अपील में जाके चेंज हो जाए दैट्स अनदर थिंग, बट उस लेवल पे वो जजमेंट फाइनल है, इसको कहते हैं डेफिनेटिव जजमेंट। तो ऐसा डेफिनेटिव जजमेंट जो भी देने के लिए एंटाइटल्ड है वो जज है, और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपीलेबल अगेंस्ट, ये बात क्लियरली लिखी हुई है, वुड बी डेफिनेटिव, और अ जजमेंट विच इफ कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, or who is one of a body of persons which body of persons empowered by law to give such judgment, ये body of person single व्यक्ति भी हो सकता है, body of person भी हो सकती है जो collectively judgment देने के लिए या definitive judgment देने के लिए entitled है। illustration से ज्यादा question बनने के chance होते हैं इधर, बहुत ध्यान से देखिएगा, illustration A है, a collector exercising jurisdiction in a suit under act 10 of 1859 is a judge, this is very important। अब देखिए नॉर्मली जो होता है ना कलेक्टर, वो जज नहीं माना जाता, जनरली कलेक्टर जो है वो जज नहीं है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक एक्ट है, एक्ट 10 जो है 1859 का, बस इसके अंडर उसे जज माना गया है, ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको याद करना है, ये ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन बी देखिए, अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। तो देखिए भाई ये बी और बी के साथ आपको पढ़ना है डी,
इन दोनों को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा बी और डी को। सो बी देखिए, जैसा मैंने कहा, अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन व्हिच ही हैज पावर टू सेंटेंस। अगर कोई व्यक्ति चार्ज लगा रहा है, कोई मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर रहा है जिस पे वो पनिशमेंट देने के लिए भी ऑथोराइज्ड है, सेंटेंस देने के लिए भी ऑथोराइज्ड है, जिस भी केस में मैजिस्ट्रेट चार्जेस लगा रहा है और वो पनिशमेंट देने के लिए ऑथोराइज है, इन दैट केस ही विल बी कंसीडर्ड एज अ जज। जहां वो पनिशमेंट देने के लिए ऑथोराइज है, सेंटेंस देने के लिए जहां वो ऑथोराइज है या उसके पास पावर है, वहां वो कहलाएगा मैजिस्ट्रेट। इसी के साथ आप डी देखिए तो आपको समझ में आएगा, अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन व्हिच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। अब कई बार क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट को कुछ ऑफेंसेस में कॉग्निजेंस तो लेना है, आप सीआरपीसी में ये बात देखेंगे कि मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस तो लेना है लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकता वो, कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको कमिट कर देना है फॉर ट्रायल टू सम अदर कोर्ट, जैसे मैटर्स विच आर ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेके कहां दे देगा उसको, दूसरे कोर्ट के पास। तो जहां भी मजिस्ट्रेट के पास स्पेसिफिक चार्जेस के केस में पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है, उस केस में वो जज ट्रीट नहीं होगा। जहां उसके पास पनिशमेंट देने का अधिकार है, इन दैट केस मजिस्ट्रेट विल बी कंसिडर्ड एज अ जज। तो बी और डी दोनों ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है कई बार इसमें। अ मेंबर ऑफ अ पंचायत एक्ट विच अ मेंबर ऑफ अ पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 7/1816 ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज अ जज। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन इधर कई बार आ जाता है प्रीलिम्स में, सिर्फ आपको लिख देते हैं कि क्या एक मेंबर ऑफ पंचायत भी जज होगा। सो द आंसर इज नो। मेंबर ऑफ पंचायत इस स्पेसिफिक एक्ट के अंडर, जो ये रेगुलेशन है 7/1816 ऑफ द मद्रास कोर्ट, सिर्फ इस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में मेंबर ऑफ पंचायत को जज माना गया है, अदरवाइज जनरली मेंबर ऑफ पंचायत जज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। चारों इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियस सीधे सीधे सवाल इससे बन जाते हैं। इसके बाद आइए 20, दैट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्शन याद रखिएगा क्या होता है ना, एज सच अंदर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट एक बार रीड करते हैं। जब द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, अंडरलाइन कर लीजिए, अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली। कोई भी जज जो एम्पावर्ड है जुडिशियली एक्ट करने के लिए वो कोर्ट कहलाता है, या बॉडी ऑफ जजेस भी हो सकते हैं। जुडिशियली एक्ट करने के लिए एम्पावर्ड का मतलब जहां वो एविडेंसेस ले सकता है, जहां वो मैटर सुन सकता है, उस पर डिसीजन ले सकता है, उसको कहते हैं जुडिशियली एक्ट करना। सो जज कोर्ट ऑफ जस्टिस कब हो जाता है, व्हेन ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट जुडिशियली। सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए 21 पे। 21 इज इंपॉर्टेंट, पब्लिक सर्वेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे सवाल सेक्शन पे भी आता है और इसमें कुछ इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल भी आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी। सो 21 देखिए, पब्लिक सर्वेंट, ये जो पूरे इसके अलग अलग क्लॉजेस है ना, इनमें डिफरेंट चीजें बताई हुई हैं, एक बार आप रीड करेंगे यू विल अंडरस्टैंड, कुछ उसमें कॉन्सेप्ट एज सच है नहीं। जैसे पहले में लिखा है एवरी कमीशनड ऑफिसर इन द मिलिट्री नेवी एयरफोर्स, में जो कमीशनड ऑफिसर है वो इसमें आ जाएंगे। सेकंड में सारे जजेस, सॉरी थर्ड वाला जो क्लॉज है उसमें सारे जजेस की बात है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड हायर जुडिशरी, तो वो सब आ जाएंगे। फिर जितने भी ऑफिसर कोर्ट ऑफ जस्टिस के हैं वो आ जाएंगे। इस तरीके से सारी चीजें अलग अलग दी हुई हैं कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने या उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं सरकार के लिए, वो सब आएंगे। अगर आपको इसका क्रक्स देखना है, सीधे आप आइए 12th पे, जो क्लॉज 12th लिखा हुआ है, एवरी पर्सन, ये दो बातें आप समझ लीजिए, इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से रेम्यूनरेट हो रहा है, और पब्लिक ड्यूटी, दो बातें ध्यान रखिएगा, रेम्यूनरेशन ले रहा है सरकार से और कोई पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एक पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और सरकार से रेम्यूनरेशन या सैलरी ले रहा है, वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है। ये क्रक्स है इसका पूरा, बाकी तो इलस्ट्रेटिव वे में बताया है, एग्जाम्पल बताया है कि कौन होता है कौन नहीं होता।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्रेसली आपसे एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि ये व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होगा या नहीं, उसमें किनके जिनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं उनको एक्सप्रेसली थोड़ा सा देख लेते हैं। कई बार कंफ्यूजन कुछ ऑप्शंस को लेके इसमें हो जाता है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ कि जो भी लोकल बॉडीज के एम्प्लॉयज हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किए जाते हैं। लोकल बॉडीज के जो एम्प्लॉयज हैं वो पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किए जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर ये सब पब्लिक सर्वेंट है। जो समस्या या दुविधा आती है वो एमएलए को लेके एक डिबेट है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, एमएलए पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। तो क्योंकि ये इधर पे सीरीज ऑफ केसेस हैं इसीलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एमएलए के रिगार्डिंग आप ध्यान रखिएगा कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। तो क्योंकि एक केस था आर एस नायक वर्सेस ए आर एंटले 1984 का, क्योंकि इस ए आर एंटले केस में ये कह दिया गया था दैट एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। यहां से ये पूरा कार्यक्रम चालू हुआ। लेकिन इसके बाद आया केस का नाम लिख लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सॉरी वर्सेस स्टेट, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट। ये जो केस था इसमें बेसिकली एमपी के रिगार्डिंग है, और वहीं से ये भी इंटरप्रिटेशन है कि एमएलए भी होगा। तो एमपी और एमएलए दोनों पब्लिक सर्वेंट हैं, ये किस केस से अपने को पता चल जाता है, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट से ये बात अपने को पता चल जाती है। तो करंट पोजीशन है कि ये दोनों एमपी और एमएलए भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। इसके बाद एक कंफ्यूजन होता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनर को लेके, कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। तो इससे रिलेटेड भी एक केस था, उसका नाम आप लिख लीजिए, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एमपी द्विवेदी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एमपी द्विवेदी। ये एक केस था जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनर पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नॉट ओनली आईपीसी, क्योंकि ये बात सिर्फ आईपीसी से गवर्न नहीं होती है, इसीलिए आपको वो भी देखना पड़ेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये बात एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दी गई है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनर जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है। तो करंट पोजीशन अगर आप देखेंगे दोनों के रिगार्डिंग, एमएलए और यूनिवर्सिटी एग्जामिनर, तो ये दोनों एट प्रेजेंट पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। सो दिस इज अबाउट 21। इसके बाद अपन आ जाते हैं अगले सेक्शन की तरफ, 22, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखिए जरा मूवेबल प्रॉपर्टी, इधर पर सिर्फ सेक्शन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है। प्री में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 22 में कोई भी कॉर्पोरल नेचर की जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल है। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। अंडरलाइन कर लीजिए, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। कोई भी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी जिसको मूव किया जा सकता है, जो अटैच टू लैंड नहीं है बेसिकली, वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एक केस यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965, इसमें हेल्ड हुआ था दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965 में हेल्ड हुआ था दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एनिमल मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं क्रॉप्स जो कट गए, कोई भी ऐसी चीज जो अटैच टू अर्थ थी लेकिन अब उसे डिटैच कर दिया गया, अगर वो अब डिटैच हो गई है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर हो जाएगी। इसके बाद 23 देखिए, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों के बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सेक्शन नंबर भी याद रखना है। रॉन्गफुल गेन होता क्या है, तो रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। कोई भी ऐसा पर्सन जो अनलॉफुल मींस से एक प्रॉपर्टी गेन कर रहा है लेकिन वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, अनलॉफुल मींस से प्रॉपर्टी गेन कर रहा है और एंटाइटल्ड नहीं है, इसको अपन कहते हैं रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन किया गया है, रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी जो उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है वो उस प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है अनलॉफुल मींस के थ्रू, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रॉन्गफुल लॉस, इसको हम कहते हैं रॉन्गफुल
लॉस। इसके बाद गेनिंग रॉन्गफुली लूजिंग रॉन्गफुली के बारे में बताया, तो वो पर्सन स्पेसिफिक हो जाता है। मीनिंग आपको ध्यान रखना है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का, और सेक्शन नंबर आपको ध्यान रखना है कि 23 में इसके बारे में बताया। देखिए ये जनरली रॉन्गफुल लॉस या गेन जो है वो प्रॉपर्टी के सेंस में है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अभी आगे डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली के बीच का बेसिक जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ हम इस क्लास को एंड करेंगे उसको करने के बाद, और आगे का जहां तक आज मुझे जाना है, मैं 34 नहीं पढ़ाऊंगा, कॉमन इंटेंशन वो कल के लिए रखा है, आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा लाइट रखते हैं। कल वो टेक्निकल बात अपन करेंगे, कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको ढंग से समझेंगे, ठीक। तो उसके पहले तक आज मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका। सो देखिए रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस ये जो है ये कन्फाइंड है प्रॉपर्टी के डिप्रिवेशन को लेके, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस से ही पे ही ये कन्फाइंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं आपको क्यों समझा रहा हूं उसको आगे देखते हैं। अब आइए डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन पे जो कि दी हुई है 24 में। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. तो dishonestly की यहां जो डेफिनेशन दी है वो ऊपर वाले प्रोविजन के कंटेक्स्ट में ही है, wrongful gain, wrongful loss। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस इंटेंशन के साथ काम कर रहा है, रॉन्गफुल गेन पहुंचाने के इंटेंशन के साथ या फिर रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के इंटेंशन के साथ, तो वो व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, डिसऑनेस्टली काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपके बैग से आपका फोन निकालता हूं, यहां मेरा इंटेंशन अपने मुझे फायदा पहुंचाना भी हो सकता है, आपको नुकसान, या दोनों। तो इन दैट केस आई एम डूइंग दैट थिंग डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली कहां कन्फाइंड है, डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी पे कन्फाइंड है, प्रॉपर्टी का लॉस गेन, क्योंकि वर्ड यूज है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। और 23 में हमने क्या देखा, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस किस चीज पे से रिलेटेड है या कहां कन्फाइंड है, तो वो प्रॉपर्टी पे कन्फाइंड है, प्रॉपर्टी के डेप्रिवेशन की बात करता है। लीगली एंटाइटल्ड व्यक्ति है उसे डिप्राइव कर रहे हैं तो रॉन्गफुल लॉस है, और ऐसा व्यक्ति जो कि लीगली एंटाइटल्ड नहीं है वो गेन कर रहा है तो वो रॉन्गफुल गेन है। लेकिन है सब कुछ किस कंटेक्स्ट में, प्रॉपर्टी और उसके डिप्रिवेशन के कंटेक्स्ट में। इसीलिए डिसऑनेस्टली जो है सेक्शन 24 जो है, द वर्ड डिसऑनेस्टली ये कहाँ कन्फाइंड है, ये प्रॉपर्टी के गेन और लॉस पे ही कन्फाइंड है, ये ध्यान रखिएगा। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर मैं 25 की बात करूं, जिस डिफरेंस को समझाने की मैं आपसे बात कर रहा हूं, 25th देखिए डेफिनेशन फ्रॉडुलेंटली। अ पर्सन इज सेट टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। यहां कोई एज सच बहुत इलेबोरेटेड और एक्सप्लेन करने वाली डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यूज में भी देखेंगे जुडिशरी के, तो ये सवाल पूछा जाता है कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली के बीच का डिफरेंस बताइए। अब वहां पे जाके अगर आप बोलते हैं कि डिसऑनेस्टली 24 में डिफाइंड है और फ्रॉडुलेंटली 25 में, तो यकीन मानिए आपने बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया है उस इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस बताइए, आईपीसी के कंटेक्स्ट में थोड़ी बात बताइए। लेकिन क्योंकि यहाँ समझने में पहली समस्या है इसीलिए अपन उस चीज को एक्सप्रेसली बता नहीं पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको उस डिफरेंस को समझाने की। तो फ्रॉडुलेंटली आप देखिए, जैसे डिसऑनेस्टली किस चीज पे कन्फाइंड है वर्ड, तो ये कन्फाइंड है भाई डिप्रिवेशन ऑफ ऑफ प्रॉपर्टी या फिर गेन ऑफ प्रॉपर्टी बस, बट नेसेसरली इट इज कनेक्टेड विथ प्रॉपर्टी समवेयर और दी अदर। लेकिन फ्रॉडुलेंटली की जो डेफिनेशन 25 में दी है ये कहती है, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है 25 में वो है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। अब ये जो डिफ्रॉड है ना, इसके दो मतलब हैं अलग अलग, इस बात को समझना। डिफ्रॉड में दो चीजें हैं, डिफ्रॉड में डिसेप्शन भी है, एक है आपका डिसेप्शन, और दूसरा ये जो डिप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी है इसको भी ये इंक्लूड करता है, डिप्रिवेशन की बात भी है। किस चीज के डिप्रिवेशन की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी के, इस बात को भी इंक्लूड करता है फ्रॉडुलेंटली। ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है फ्रॉडुलेंटली जो 25 में, ये थोड़ा सा नैरो है डिसऑनेस्टली। अब आप कहेंगे सर दोनों क्यों दिए हुए आईपीसी में, डिसऑनेस्टली भी डिफाइन है फ्रॉडुलेंटली, और मैंने कहा फ्रॉडुलेंटली डिसेप्शन जहां आपका इंटेंट, समझिएगा, जहां आपका इंटेंट है किस बात का, डिसीव करने का, डिसेप्शन या
डिसीव करने का इंटेंशन, ये मेजरली एक एलिमेंट हो जाता है फ्रॉड, डिफ्रॉड का, जो वर्ड यहाँ फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, दैट इज डिफ्रॉड। और डिफ्रॉड को के दो एलिमेंट्स अपन कंसीडर कर सकते हैं, दोनों बातों को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि भाई आप अगर आईपीसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जरा एक बार इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे थेफ्ट की डेफिनेशन आप देखेंगे, थेफ्ट में सिर्फ डिसऑनेस्टली वर्ड इस्तेमाल किया है जो कि 24 में डिफाइन है, लेकिन कुछ ऑफेंसेस है जिनमें दोनों हैं, और आईपीसी में डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली दोनों मिल जाएंगे आपको, या तो सिर्फ डिसऑनेस्टली मिलेगा या फिर दोनों मिल जाएंगे। और करके जैसे आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 415 चीटिंग, चीटिंग में जो इंटेंशन चाहिए दोनों लिखा है उसमें, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। ऐसे ही आप मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे 464 में, 464 में, तो वहां भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी, आप बेरेट में वो चीज देख सकते हैं। तो यू विल अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 464 464 मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट की बात करता है, वहां भी वर्ड यूज है फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, चीटिंग में भी आप देखेंगे फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। तो आईपीसी ने इन दोनों टर्म्स को साथ में इस्तेमाल किया है, या फिर सिर्फ जहां डिप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी उन्हें रिफ्लेक्ट करना था वहां 24। अब क्या डिफरेंस है, तो ये बात समझना, ये सिर्फ डिप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी में डील करता है, ये डिसेप्शन प्लस प्रॉपर्टी दोनों की बात करता है। लेकिन जहां दोनों को, इन दोनों को साथ में इस्तेमाल किया, तो इंटेंशन क्या था फ्रेमर्स का या लेजिस्लेटर्स का, इसके पीछे इंटेंशन क्या था कि फ्रॉडुलेंटली का इंटरप्रिटेशन क्या लिया जाए। जब आईपीसी में फ्रॉडुलेंटली वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्रॉडुलेंटली का इंटरप्रिटेशन आईपीसी के पर्पजेस के लिए आप सिर्फ ये वाला लीजिए, दैट इज द इंटेंशन, इसको आप मत लीजिए, कंसीडर मत करिए, दैट इज द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ आईपीसी। अगर ये कलर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं ब्लू से इसको कर देता हूं, कि ये जो है ना डिसेप्शन, डिसीव करने वाला पार्ट डिफ्रॉड का, जो मतलब इस कंटेक्स्ट में फ्रॉडुलेंटली वर्ड यूज हुआ है, और ये जो है डिप्रिवेशन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लॉस गेन से रिलेटेड, इसको जनरली हमें कंसीडर नहीं करना है। इसका कारण ये है, इसीलिए इन दोनों को साथ में इस्तेमाल किया है, अदरवाइज साथ में क्यों करते। ये टर्म फ्रॉडुलेंटली अपने आप में दोनों बातें इंक्लूड करता था, लेकिन साथ में इन्होंने डिसऑनेस्टली को भी लिखा, इसका मतलब ये, क्योंकि डिसऑनेस्टली का सिर्फ यही स्पेसिफिक मतलब है जो कि आपको क्लियरली एक्ट में दिया हुआ है, तो साथ में यूज करने का मतलब ही यही है कि भैया फ्रॉडुलेंटली का आप ये वाला मतलब लीजिए, ये मत लीजिए, क्योंकि ये हम ऑलरेडी इस वर्ड से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम डिसऑनेस्टली भी लिख रहे हैं ऑफेंस में, इसलिए ये वाला मतलब आप फ्रॉडुलेंटली से मत निकालिए, इसको इंटरप्रेट मत करिए, सिर्फ इस वाले को करिए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। और फ्रॉडुलेंटली जो आईपीसी में यूज किया गया, वो किस कंटेक्स्ट में यूज किया है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया, वो इस डिसेप्शन के कंटेक्स्ट में यूज किया है। इसलिए चीटिंग में आप देखेंगे कि इट इज नॉट जस्ट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, कि मैं आपको बेवकूफ बना के आपकी प्रॉपर्टी ले लूंगा तभी आप के अगेंस्ट या मैंने आपके अगेंस्ट चीटिंग कमिट करी, ऐसा नहीं है। अगर आपने फर्जी मार्कशीट दिखा के कॉलेज में एडमिशन लिया है, दैट मे ऑल्सो अमाउंट टू चीटिंग। कोई भी ऐसा काम जो मैं डिसेप्शन के थ्रू आपसे करवा लूं, वो चीटिंग है। जरूरी नहीं कि उसमें प्रॉपर्टी का ही लॉस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए वहां दोनों टर्म यूज है, क्योंकि डिसऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करता है नेसेसरली प्रॉपर्टी के लॉस को। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। आई होप दैट इज कन्वेड टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद देखिए सिंपल सी चीजें हैं, सेक्शन 26 देखिए, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन है, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशियंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। तो रीजन टू बिलीव तब कहा जाएगा जब आपके पास सफिशियंट कॉज है किसी बात को बिलीव करने का, तब कहा जाएगा रीजन टू बिलीव। जैसे रीजन टू बिलीव आप देखेंगे कहां दिया हुआ है, तो ये आप जैसे स्टोलन प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे 410 में, तो वहां आप देखेंगे उससे रिलेटेड जो ऑफेंस है रिसीविंग और कीपिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, वो ऑफेंस है। तो जहां आपके पास नॉलेज है कि स्टोलन प्रॉपर्टी है या रीजन टू बिलीव है कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, वहां आप गिल्टी होते हैं। अब रीजन टू बिलीव कैसे होगा, नॉलेज तो भैया मेरे को पता है कि चोरी का है, क्योंकि जो लेके आया उसने बताया था या उसने मेरे सामने चोरी करी थी, इसलिए मेरे को पता है, नॉलेज है।
लेकिन रीजन टू बिलीव अपन कब कहेंगे, जब मेरे पास सफिशियंट कॉज हो। सफिशियंट कॉज मतलब उस सर्कमस्टांस में कोई भी व्यक्ति होता तो वही समझता। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया है पिछली अपनी लेक्चर में आईपीसी के, कि जैसे मान लीजिए अभी क्लास लेके 11 बजे के बाद लगभग 11:30 बजे मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ यहाँ स्टूडियो से, और रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिलता है एक बढ़िया नया का नया आईफोन लेके, और वो मुझे कहता है सर ये 5,000 में खरीद लो, मैं सेल्समैन हूँ और ऑफर चल रहा है न्यू ईयर का, और ये आईफोन नया का नया आप 5,000 में खरीद लीजिए। अब आप बताइए कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन मेरी जगह होगा, डज ही हैव सफिशियंट कॉज टू बिलीव कि चोरी का फोन है, यस और नो? कोई भी रीजनेबल पर्सन अगर मेरी जगह होगा उसके पास सफिशियंट कॉज है ये बिलीव करने का दैट इट इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी का फोन है? यस, क्योंकि सरकमस्टांसेस, इसको कहते हैं रीजन टू बिलीव। भले मुझे नॉलेज नहीं है, मैं जानता नहीं उस व्यक्ति को कहां से आया, कहां से वो फोन लाया, ये सब पता नहीं है एग्जैक्टली मुझे, बट आई हैव रीजन टू बिलीव, सफिशियंट कॉज है मेरे पास ये बिलीव करने का। ठीक, दैट्स रीजन टू बिलीव फॉर यू। सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा भैया, 26। इसके बाद आ जाइए सीधा 27, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, बस इतना ध्यान रखिए हस्बैंड की प्रॉपर्टी अगर वाइफ की पोजेशन में या मास्टर की प्रॉपर्टी सर्वेंट को दी है उसने रखने के लिए, तो पोजेशन उसमें मास्टर की ही मानी जाती है, ये थेफ्ट में ज्यादा काम आएगा, तो उधर अपन इसका जिक्र एक बार दोबारा करेंगे। इसके बाद आइए काउंटर फी, 20th, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जाता है, सीधे सेक्शन नंबर पूछा जाता है कि काउंटर फीट कहां डिफाइन किया, तो सेक्शन नंबर याद रखिएगा 28 में डिफाइन किया गया है। काउंटर फीट का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए, अ पर्सन इज सेट टू काउंटर फीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। देखिए डिसेप्शन कब होता है, जब आप किसी चीज को का रिजेंबलेंस बनाते हैं, एक कोई चीज है उसका रिजेंबलेंस आपने क्रिएट किया है, जैसे आपने देखा होगा शूज रिबॉक के एक ब्रांड है और उसी का कॉपी बना दिया जाता है रिबुक। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इमिटेशन हो उसके जैसे, या तो सेम बना दो आप रिजेंबल करता हुआ, और उस सेम को जब आप क्रिएट कर रहे हैं, उस रिजेंबलेंस को जब आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपका इंटेंशन है वहां पे तो आप गिल्टी हैं उस इंटेंशन के लिए। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, आपका इंटेंशन, आप उस रिजेंबलेंस को इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपका इंटेंशन है डिसेप्शन प्रैक्टिस करने का, या फिर लिखा है और यू हैव नॉलेज दैट डिसेप्शन मे बी प्रैक्टिस। इसलिए मैंने अभी आपको क्लास के पहले दोनों के बीच का डिफरेंस समझाया था, इंटेंशन और नॉलेज। इंटेंशन मतलब मैं उस रिजेंबलेंस को क्रिएट, मैं वो नकली शूज बनाई इसलिए रहा हूं ताकि मैं उससे किसी को डिसीव कर पाऊं, मैं डिजायर कर रहा हूं पर्टिकुलर कंसिक्वेंस की, मेरे को यही करना है इससे, या फिर मैं चाहता नहीं हूं लेकिन क्योंकि मैं उसकी कॉपी बना रहा हूं तो बीइंग अ रीजनेबल पर्सन मेरे को पता है कि इससे डिसेप्शन कोई प्रैक्टिस कर सकता है। दोनों केसेस में कहा जाएगा दैट आई हैव काउंटरफीटेड अ थिंग। ठीक, एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। पहला, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटर फीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन टू है, व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, ये प्रिजम्पशन है आपके अगेंस्ट कि अगर मैंने किसी चीज का रिजेंबलेंस क्रिएट किया है, किसी चीज की कॉपी क्रिएट करी है, तो कोर्ट तो ये प्रिज्यूम कर लेगा कि मुझे नॉलेज था कि इससे डिसेप्शन प्रैक्टिस होगा या इससे डिसेप्शन ही करना था। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन मी, मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि साहब ऐसा कोई इंटेंशन या नॉलेज मेरे पास नहीं था कि इस रिजेम्बलेंस से डिसेप्शन प्रूफ हो सकता है। नैतिक शिक्षा का क्वेश्चन है, क्या ये रोज होगी? हाँ बेटा रोज होगी, और क्या, लगभग रोज होगी ये क्लासेस, संडे वनडे अपन देख लेंगे, बाकी रोज होगी। यूपीपीसीएस जगह पहले खत्म करना है ना बेटा अपने को ये सब, और थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे जैसे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस हवा में उड़ा देंगे प्रोविजन, समझना भी है क्योंकि तभी याद हो पाएगा, तो ये रोज होंगी क्लासेस। अच्छा एक ओपिनियन मुझे आपका ये चाहिए था, इज दी 9:30 टाइम फीजेबल फॉर यू, या फिर इसको 9 बजे करना चाहिए? एक ये ओपिनियन मुझे चाहिए था। 9:30 हमने एडीपीओ के एक्सपीरियंस के बात करी थी, बिकॉज एडीपीओ की क्लासेस वर एट 9, सॉरी 8, 8 बजे से क्लास चालू करी थी हमने उसकी, इसकी मैंने 9:30 इसलिए रखी है कि थोड़ा और फ्री हो जाए अपन जीवन से खावा के एकदम, इसलिए 9:30 रखा था। सो व्हाट इज योर ओपिनियन, शुड इट बी 9 और 9:30? अच्छा ज्यादा लेट हो रहा है, ऑल राइट 8:30 अर्पित तो कह रहा है, ओके
चलिए ठीक है, मेजोरिटी गोज विद 9, सो वील हैव अ, वील गिव इट अ थॉट. मेजोरिटी इज विद 9, कुछ ना, अच्छा 9:30 भी वाले भी कम नहीं पड़ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि हम में. चलिए ठीक है, वील गिव इट अ थॉट. ठीक, आई एम ओके विद 9:30 एज वेल, कोई समस्या नहीं. अच्छा सुबह भी क्लासेस हैं, सिर्फ यही नहीं है 9:30, सुबह 1 बजे ज्यूरिसप्रूडेंस है कल से, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश है टारगेट अपना, है ना. तो सुबह 1 बजे, दिन में 1 बजे आपकी ज्यूरिसप्रूडेंस है कल से, और 3 बजे जीएस है, और 9:30 बजे मैं आ रहा हूं आईपीसी लेके फिर कल. चलिए अगला देखिए, डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है. द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ. किसी भी सब्सटेंस को जब आप डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज पे डिस्क्राइब करके, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है. ये कुछ भी, किसी भी चीज के थ्रू कर सकते हैं आप, लेटर के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क के थ्रू. ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेटर, फिगर्स, मार्क्स, तीनों इंपॉर्टेंट है. इसके थ्रू आप कोई भी मैटर डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो उस चीज को डॉक्यूमेंट कहा जाता है. बस इतना ध्यान रखिएगा, सिमिलर एविडेंस में है, वहां से पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, आईपीसी से कम है. 29A में बस ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन है, बस इतना याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन है 29A में. इसके बाद 32 है, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन. तो देखिए, जब भी आईपीसी में कहीं पे भी वर्ड एक्ट लिखा रहेगा, एक्ट वर्ड जहां पे भी आप देखेंगे, इट विल नेसेसरीली इंक्लूड इलीगल ओमिशन. इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा. अच्छा, ये इलीगल ओमिशन होता क्या है, ये बात समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 32 कह रहा है कि एक्ट वर्ड जहां यूज किया गया, जैसे मान लीजिए लिखा है कि आपने अपने एक्ट से किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी, या आपने अपने एक्ट से किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी, तो वो एक ऑफेंस हो जाएगा. तो ये जो वर्ड एक्ट हम लिख रहे हैं ना, ये हमेशा कोई पॉजिटिव असर्शन नहीं होगा, इसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड होगा. इलीगल ओमिशन तब होता है जब आप लीगली बाउंड हैं कुछ काम करने के लिए और आपने वो नहीं किया, तब वो इलीगल ओमिशन होता है. ओमिशन वैसे भी हो सकता है, जैसे मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाता हूं कि मान लीजिए आप नदी के पास से जा रहे हैं और वहां एक बच्चा डूब रहा है, आप उसको बचाते नहीं है, इज इट एन ऑफेंस, इज इट एन इलीगल एक्ट. वो बच्चा डूब रहा, देखो एक तो ये है कि कोई बच्चा नदी के किनारे खड़ा है, आपने जाके उसे धक्का दे दिया, इस वजह से वो डूब गया, ये तो एक्ट हो गया. कोई बच्चा डूब रहा है, आपने उसको बचाया नहीं, दैट इज एन ओमिशन. बट इज इट एन इलीगल ओमिशन? द आंसर इज नो, इट इज नॉट एन इलीगल ओमिशन. क्यों नहीं है इलीगल ओमिशन? बिकॉज यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड, आप उसको बचाने के लिए ड्यूटी बाउंड नहीं है, इसलिए आपका जो ओमिशन है ये इलीगल ओमिशन नहीं माना जाएगा. इलीगल ओमिशन वहां होगा जब आप ड्यूटी बाउंड होंगे. जैसे मान लीजिए कि लाइफ गार्ड्स होते हैं कई जगह, बीच पे लाइफ गार्ड है, वहां एक बच्चा डूब रहा है, अब उसकी ड्यूटी इलीगल ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने की चाइल्ड को, वहां वो बच्चे को नहीं बचाएगा, तो इसे हम इलीगल ओमिशन कहेंगे, और उसके कारण मान लीजिए डेथ होती है, तो इसे अपन एक्ट भी मानेंगे, इस इलीगल ओमिशन को इंक्लूड मानेंगे एक्ट टर्म में. इसे भी एक एक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है जहां भी आप कोई इलीगल ओमिशन कमिट करते हैं. सो ये 32 आपको बता रहा है कि जहां भी वर्ड एक्ट आईपीसी में देखेंगे, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन. अब 33 जो है, यहां से मैं चालू करूंगा कल की क्लास, और अगर आपने आईपीसी पढ़ा है पहले भी, लेकिन आपको अभी भी 34 कॉमन इंटेंशन, 35 सिमिलर इंटेंशन, उसके बाद 37 कोऑपरेशन, या फिर 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिफरेंस अगर आपके समझ में नहीं आया है तो कल आ जाइए आप. टाइम मोस्ट लाइकली, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कमेंट्स में, कमेंट में टाइम जो है आपने जो सजेस्ट किया है, इसमें 9:30 वाले ज्यादा हैं, 9:30 वाले थोड़े कम हैं. तो वील गिव इट अ थॉट, यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय टुमारो आफ्टरनून अबाउट द टाइम. चलो कल तो 9:30 ही रहेगी भाई, अब इतनी जल्दी तो अपन चेंज नहीं करेंगे, बाकी वील गिव इट अ थॉट, क्योंकि 9 बजे के भी काफी कंटेंडर हैं, तो वी कैन गिव इट अ थॉट. बट अभी तो अपन कल इसको 9:30 रखते हैं, कल कोई समस्या नहीं. देखो मुझे तो कोई समस्या नहीं, अपने पास जीवन में कोई काम नहीं पड़ाने के अलावा,
तो मुझे बहुत बहुत भारी समस्या कुछ है नहीं। लेकिन इस बार ये पक्का है कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं कभी वो समझा जरूर देंगे, और यूपी निकाल के आना है। तो कल अपन आते हैं, कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, इन सब की बात करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और थोड़े प्रोविजन और कवर करेंगे। कल आ जाइए 9:30 बजे आईपीसी के लिए, 1 बजे आ जाइए दिन में ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि वो गेम चेंजर है उत्तर प्रदेश का, इसीलिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो अवेलेबल नहीं है कहीं। यहां आपको यूट्यूब लाइव में वो कवर करा दिया जाएगा, इसीलिए शार्प 1 बजे कल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने आ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गुड नाइट।